हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली आज ही एक सेकंड में सर को कॉल कर लूँ होस्ट के लिए। हेलो, हेलो। सर चलिए जी, कल की क्लास में कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी जल्दी। अभी तक की क्लास क्लियर? रिवाइज कर लिया सब कुछ? अरे सर, वो होस्ट बना दिए। अभी तक की क्लास में कोई डाउट किसी को? जल्दी जल्दी बोलो। हेलो, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए जरा। नहीं, हम क्या कर रहे थे कल? डिवाइड एंड कॉन्कोर से हमें क्या निकालना था? मैक्सिमम। सर हेलो, तो यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कोर हमें मैक्सिमम निकालना था। ऑब्वियसली वो तभी बनवा सकता हूँ जब मैं होस्ट बन जाऊंगा। बस एक दो मिनट वेट करिए, अभी होस्ट बन रहा हूँ। तो आपका मंडे से मैंने टाइमिंग रख दी है आपकी 4:45 से। आप लोग की वो है ना मिड सेम, यस सर। किसी को भी कोई डाउट नहीं है? नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, यही वाला लॉजिक चल रहा है क्या? हम बोलेंगे ही नहीं सर, हम एनर्जी सेव करेंगे अपनी। चलिए बताइए जल्दी से, विदाउट डीएसी, विदाउट डीएसी मैक्सिमम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी हमारी? जल्दी जल्दी बोलो। विदाउट डीएसी मैक्सिमम की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? ऑर्डर ऑफ एन, द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन की थीटा ऑफ एन। हेलो, थीटा ऑर्डर। अरे थीटा ऑफ एन हर केस में एन थी कि नहीं? चाहे बेस्ट केस हो चाहे वर्स्ट केस हो। हाँ सर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी हमारी? ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, एक्स्ट्रा स्पेस ऑर्डर ऑफ वन। कांस्टेंट। नाउ अब देखिए रतन से, विद डीएसी हमें देखना है पावर ऑफ एन एलिमेंट। चलिए देखिए, हेडिंग डालिए विद डीएसी। नाउ एरे ए लेता हूं मैं, कोई भी एरे, वही एरे ले लूं जो पहले ली थी कि नई ले लूं? जल्दी बोलो, कोई भी ले लो। नहीं, एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट्स बोलिए। हाँ, चलो इवन नहीं लेता, नहीं तो कोई गलत कंसेप्ट ना बना लो। चलिए देखिए, मैंने एरे ले लिया अभी एन एलिमेंट्स की। हमारे एग्जांपल में मैंने 9 एलिमेंट्स की एरे ली है। अब हमें क्या करना है, इस एरे से मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट निकालना है। मैं क्लियर है? बोलो। यस सर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एरे ए है 1 to 9 एलिमेंट्स की, हमें निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे क्या बोला, मैक्सिमम क्या है हमारी? डिवाइड एंड कॉन्क्योर की एप्लीकेशन है। डिवाइड एंड कॉन्क्योर की एप्लीकेशन है मतलब डिवाइड एंड कॉन्क्योर कैसे वर्क करती है? प्रॉब्लम सॉल्व मतलब टर्मिनेशन। हेलो, अरे बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? क्या हो गया? एक तो अभी स्टूडेंट ही बहुत कम है, 31 है केवल। बाकी सबको पता है ना क्लास है 4 बजे, 4 बजे से।
तो है सर, बोलते हो क्या? एक काम करिए, कोई टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज सेंड कर दो या फिर आपका जो कॉलेज का ग्रुप हो उसमें सेंड कर दो। ऐसा तो नहीं कोई कंफ्यूज होके क्लास ही नहीं आ रहा है। अरे देखो कोई कंफ्यूजन का वो नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं आ रहा है तो कोई इशू नहीं। चलिए देखिए रतन से सुनिए, तो मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि एल्गोरिथम क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम वही क्यों है। क्लियर है ना? चलिए देखिए रतन से, तो मैंने आपसे क्या बोला कि मैक्सिमम क्या है, हमारा डिवाइड एंड कॉन्क्योर का एप्लीकेशन है। नाउ डिवाइड एंड कॉन्क्योर स्ट्रेटजी हमारी कैसे वर्क करती है? अगर प्रॉब्लम स्मॉल तो टर्मिनेशन, प्रॉब्लम बिग तो प्रॉब्लम को डिवाइड करो। क्या एक बार? जल्दी बोलो, रिकर्सिवली बार बार, जब तक कि सब प्रॉब्लम का साइज क्या ना हो जाए स्मॉल। फिर क्या करो, उन सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को क्या कर दो, कंबाइन कर दो, सो दैट वी विल गेट ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। चलो देखो रतन से, तो देखिए रतन से, सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्मॉल मतलब टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कंडीशन इधर पे क्या होगी कोई बताएगा मुझे? अरे देखो रतन से, अगर क्लास में एक ही स्टूडेंट है तो वही मैक्सिमम वही मिनिमम। यस सर। रेस में एक ही पर्सन दौड़ रहा है तो फर्स्ट वही आएगा, लास्ट वही आएगा। यस सर। तो अब ध्यान से सुनिएगा, तो मैंने क्या बोला, अगर आपसे, अगर एरे में एक ही एलिमेंट है तो वही एलिमेंट हमारा मैक्सिमम है, वही एलिमेंट मिनिमम है। टर्मिनेशन कंडीशन क्या हमने माइंड का यूज किया? Awesome. नहीं किया। लेकिन आप एक बात मुझे ध्यान से बताइए, क्या बिना कंपैरिजन के हम मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट बता सकते हैं? Awesome. तो अब देखिए ध्यान से, ये जो टर्मिनेशन कंडीशन, इसमें तो कोई कंपैरिजन लग ही नहीं रहा है क्योंकि इसमें तो एक ही एलिमेंट है। तो मैंने क्या बोला, एक और टर्मिनेशन कंडीशन ली क्या, कि अगर एरे में दो एलिमेंट है, अगर एरे में दो एलिमेंट है तो मैंने क्या बोला, दो एलिमेंट है सपोज आई कॉमा जे। तो अब मैंने आपसे क्या बोला, अगर ए आई ग्रेटर देन ए जे है तो मैक्सिमम हो जाएगा ए आई, मिनिमम हो जाएगा ए जे, नहीं तो मिनिमम हो जाएगा ए आई, मैक्सिमम हो जाएगा ए जे। नहीं आ रहा? यस सर। क्लियर? तो मैंने क्या बोला कि टर्मिनेशन कंडीशन मैंने दो दो ले ली क्या, कि अगर एरे में एक ही एलिमेंट है तो वही एलिमेंट मैक्सिमम मिनिमम, और अगर एरे में दो एलिमेंट है तो उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, जो हमारा बड़ा होगा वो मैक्सिमम आ जाएगा, जो छोटा होगा वो मिनिमम आ जाएगा। यस सर। चलिए अब सुनिए तंसी, अब मैंने आपसे क्या बोला, अगर एरे में दो से ज्यादा एलिमेंट है, इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है हमारी, बिग है, तो हम प्रॉब्लम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हेलो। यस सर। तो कल तो मैं जनरली आपको बता रहा था कि डिवाइड एंड कॉन्क्वर टेक्निक वर्क कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला था, जैसे ही हम एल्गोरिथम में जाएंगे हर चीज के पीछे रीजन आ जाएगा कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जैसे कि जब हमने पावर ऑफ एन एलिमेंट देखा था तो हम डिवाइड कर रहे थे अकॉर्डिंग टू मिड कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू मिड क्यों कर रहे थे, बिकॉज ए पावर एन बाई टू इंटू ए पावर एन बाई टू इज नथिंग बट ए पावर एन। हेलो। तो अब सुनिए जैसे, अगर एरे में दो से ज्यादा एलिमेंट है तो प्रॉब्लम बिग है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मुझे बताइए जरा कैसे डिवाइड करेंगे हम? मिड से। वेरी गुड, माइंड का यूज करके बोलो, मिड से। नो, मिड से ही क्यों करेंगे, सब प्रॉब्लम इक्वली पहले डिवाइड कर देंगे ना। अरे ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, मिड से करोगे, एकदम सही बोल रहे हो, ऐसा करेंगे क्यों? ताकि एक ही एलिमेंट बने रहे। ताकि, हेलो, देखो अभी एक साथ दो दो बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा है। हेलो सर, कंपैरिजंस कम हो जाएंगे सर। अरे देखो, ट्री के लेवल्स कम हो जाएंगे कैसे, देखो रतन से, सपोज मैंने बोला कि मुझे कुछ क्वेश्चन है जिनके सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ध्यान से सुनिएगा, सपोज आपकी क्लास दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए सेक्शन बी, और दोनों में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझिए जरा, मैंने क्या बोला कि मुझे कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए, और वो मैंने दो क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दो इक्वल पार्ट में, ठीक है। अब मुझे ये बताइए जरा, सबसे जल्दी सॉल्यूशन कब आएगा, जब दोनों सेक्शन में दोनों सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, या फिर एक में ज्यादा हो एक में कम हो? नहीं आया समझ में? दोनों में इक्वल, दोनों में इक्वल हो, क्योंकि अगर आप दोनों में इक्वल करोगे तो ट्री की लेवल मिनिमम जाएंगी कि नहीं जाएंगी, क्योंकि अगर आपने एक में कम किया एक में ज्यादा किया तो जहां पे ज्यादा है उधर पे नंबर ऑफ लेवल्स इंक्रीज कर जाएंगी। यस सर। तो देखिए, अगर प्रॉब्लम बिग है तो हम प्रॉब्लम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कैसे करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू मिड। क्लियर है? डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू मिड इनटू सब प्रॉब्लम्स। तो देखिए रतन से, नाउ हमें किसका मर्डर करना था, एरे ए 1 टू 9 एलिमेंट्स, नाउ क्या प्रॉब्लम स्मॉल है, नहीं ये तो बिग है, तो क्या किया, मिड से, मिड के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया, मतलब 1 प्लस 9 बाय 2 फ्लोर या सीलिंग वैल्यू। लेट्स सपोज हमने फ्लोर वैल्यू ले ली तो क्या आ गया, 5। एरे ए 1 टू 5 मैक्सिमम मिनिमम। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका राइट चाइल्ड क्या होगा, एरे ए 6 टू 9 मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन वो तो तब कॉल होगा ना जब इसका मर्डर हो जाएगा। हेलो।
तो देखिए ध्यान से डिटेल में बता रहा हूँ कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। देखिए ध्यान से 1 to 5 फिर क्या ये बैचलर है? नहीं, ये किसको कॉल कर देगा? एरे ए 1 to 3 मैक्सिमम मिनिमम। सिमिलरली ये किसको कॉल कर देगा? एरे ए 1 to 2। ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं? हेलो यस सर। यस सर। यस अरे सब लोग नींद में हो क्या? अरे आप, no, आप अपनी वॉइस सुन रहे हो कैसे बोल रहे हो? यस सर, नो सर। अब 5 मिनट के अंदर अगर वॉइस चेंज नहीं हुई ना तो मैं भी वही वॉइस कर लूंगा। वैसे ही मुझे क्या, मुझे लगता है कि आप उस वॉइस में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, वो धीमे धीमे बोलना। हेलो यस सर। यस सर। एक बार और करो फिर देखो मैं किस किस वॉइस में बोलता हूँ। तो सुनिए ध्यान से, अरे ए 1 to 2 एलिमेंट मैक्सिमम मिनिमम, ये हमारी टर्मिनेशन कंडीशन है कि नहीं? जी सर। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर एक एलिमेंट तो भी टर्मिनेशन कंडीशन, दो एलिमेंट तो भी टर्मिनेशन कंडीशन, फिर क्या? अरे ए 3 से 3 मैक्सिमम मिनिमम। कहने का मतलब सुनिए ध्यान से, मुझे मर्डर करना था 1 to 9 तो क्या आया? बड़ा बेटा आया, पापा को मत मारो, पापा को मत मारो, फिर इसका बेटा, फिर इसका बेटा, बैचलर मर्डर, फिर इसका राइट चाइल्ड आएगा। क्लियर है? जी सर। चलो अगर मैं आपसे बोलूं रियलिटी में एग्जीक्यूट कैसे होगा, आप ध्यान से देखना कि क्या बोला मैंने। 1 to 2 देखो, 1 से 9 इसने किसको कॉल किया? इसने किसको कॉल किया? 1 से 5 इसने किसको कॉल किया? 1 से 3 इसने किसको कॉल किया? 1 से 2। ये तो टर्मिनेशन कंडीशन, तो 1 से 2 मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट कौन सा है हमारा? 10 और 20 मतलब 20 और 10। क्लियर है? कहने का मतलब मैक्सिमम और मैक्सिमम में, मिनिमम और मिनिमम में, 5 और 10 में 5। क्लियर? यस सर। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब हमें करना था एरे ए 1 to 5 एलिमेंट का, तो इसका राइट चाइल्ड कॉल होगा, क्या होगा वो? 4 से 5 मैक्सिमम मिनिमम। बोलो। यस सर। अब 4 से 5 मैक्सिमम मिनिमम यानी कि मैक्सिमम क्या आ जाएगा हमारा? 26। मिनिमम क्या आ जाएगा हमारा? 15। सबको? अरे देखिए सिंपल है ना। अब ध्यान से देखिए, अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 20 और 26 मैक्सिमम क्या है? 26। 15 और 5 मिनिमम क्या है? 5। ये समझ में आ रहा है ना कि कंपैरिजन केवल दोनों मैक्स के बीच में होगा और दोनों मिन के बीच में होगा? यस सर। नाउ अब ध्यान से सुनिएगा, ये किसको कॉल कर देगा? अपने राइट चाइल्ड को कॉल कर देगा, मतलब एरे ए 6 to 9। क्लियर? यस सर। अब ये किसको कॉल कर देगा? क्या ये बैचलर है? नहीं। एरे ए 6 to 7 मैक्सिमम मिनिमम। बैचलर है तो क्या? 6 से 7 मैक्सिमम क्या है? 43। मिनिमम क्या है? 35। क्लियर? यस सर। यस सर। नाउ अब अपने राइट चाइल्ड को कॉल करेगा, व्हिच इज 8.9। तो अब सुन, देखिए जरा इधर पे मैक्सिमम क्या है हमारा? 92। मिनिमम क्या है? 91। तो अब ओवरऑल इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है हमारा? 92। मिनिमम क्या है हमारा? 35। Now, अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है हमारा? 92 और मिनिमम क्या है हमारा? 5। यही हमारा आंसर है, कोई डाउट? नो सर। नो सर। पहले इतना बना लिए। हो गया? हो गया? नो सर। नो सर। लिखने की स्पीड थोड़ी सी अच्छी करो।
हो गया? Yes, sir. चलिए अब सुनिए ध्यान से, अब मैं फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस की बात करता हूँ, फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस की बात करता हूँ। सबसे पहले किस फंक्शन को कॉल किया गया, इसको, यही थी हमारी मेन प्रॉब्लम। इसने किसको कॉल किया, अपने बड़े बेटे को, ये हो गया सी टू, ये हो जाएगा सी थ्री, फिर सी फोर, ये बन जाएगा हमारा सी फाइव, ये बन जाएगा हमारा सी सिक्स, फिर ये बन जाएगा सी सेवन, सिमिलरली ये सी एट एंड सी नाइन। कोई भी डाउट? चलिए एक सेकंड, एक चीज देखिए, चलिए सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो मैं अगर ट्री ट्रेवर्सल की बात करूं, ट्री ट्रेवर्सल की बात करूं, हमारे कितने होते हैं? एक सेकंड सुनिए, आज मुझसे गलती होगी, मेरी क्लास में पूछे ही नहीं, चल रहा है ना? यस सर। आपके काम सब कुछ? जी सर। यूज कर सकते हो। चलिए बताइए जरा जल्दी से, ट्री ट्रेवर्सल हमारे कितने होते हैं? थ्री टाइप के। पाप, मुझे लगा ही था कि आप थ्री बोलोगे, और जो आप थ्री बोलना चाहते हो वो मेरे ख्याल में यही है कि नहीं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। रियलिटी में ट्री ट्रेवर्सल हमारे फोर टाइप्स के होते हैं। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी हमारा ट्री ट्रेवर्सल आता है, नो डाउट, वो हमारा ग्राफ ट्रेवर्सल है, लेकिन वो हमारा ट्री ट्रेवर्सल भी होता है। क्लियर है? यस सर। चलिए सब आप डेटा स्ट्रक्चर में देखोगे ही। नाउ प्री ऑर्डर क्या होता है हमारा, जल्दी से बोलिए। अरे रूट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, हाँ इन ऑर्डर, left root right, left root right, left root right, post order, left right, left right, कहने का मतलब left right तो हमारे as it is ही होते हैं, root ही हमारा shuffle करता है, pre order में पहले, in order में बीच में, और post order में बाद में। clear है ना? now अब सुनिए ना, अगर मैं इस tree का pre order traversal निकालूं तो बताइए जरा क्या आएगा, ध्यान से देखना, C1, C2, C3, C4 and so on, C9 ही आएगा, करके दिखाऊं? Yes sir। देखो ध्यान से, pre-order traversal, pre-order मैंने क्या बोला, root left right, तो देखिए ध्यान से, root C1 आ गया, left पे गए, अब ये root बन गया हमारा C2 आ गया, फिर left पे गए, फिर ये बन गया हमारा root C3 आ गया, फिर left पे गए, ये root बन गया हमारा C4 आ गया, left नहीं है इसका, right नहीं है, फिर ये हो गया था C3 हो गया, root हो गया इसका, left हो गया, C4 हो गया, अब right आएगा C5। हेलो, Yes, sir. फिर C2 देखिए रूट yes, हो गया, इसका लेफ्ट भी हो गया, राइट आ जाएगा C6। Yes, sir. And so on, C7, C8, C9, देखो ध्यान से, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्लियर है इसका, यही है C1, C2 and so on, C9। Yes, sir. Yes, sir. No. कहने का मतलब, पहले मैं बता दे रहा हूँ फिर आपको चीजें लिखवाता हूँ, सुनिए ध्यान से। फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस हमारा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, प्री ऑर्डर, यही हमारा फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस है कि नहीं, विच इज प्री ऑर्डर। Yes, sir. Now, अब ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है हमारा, पोस्ट ऑर्डर। अगर मैं इसकी बात करूं तो कि फंक्शन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, फंक्शन एग्जीक्यूट मतलब एग्जीक्यूट कौन पहले हो रहा है, देखो ध्यान से, कॉल तो C1 हो रहा है लेकिन सबसे पहले मर्डर किसका हुआ पता ही नहीं है, C4 का, फिर C5, फिर अरे देखो ध्यान से, इसने बड़े बेटे को कॉल किया, बैचलर मर्डर, ये गया, फिर ये गया, सबसे पहले किसका मर्डर, C4, फिर C5, फिर C3, फिर देखो ध्यान से, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा हमारा, पोस्ट ऑर्डर क्या होगा हमारा, लेफ्ट राइट रूट, तो देखिए ध्यान से, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, C4 आया, फिर C5 आया, फिर C3 आएगा, इसका लेफ्ट हो गया, फिर C6 आया, राइट हो गया, फिर रूट C2 आ गया, लेफ्ट हो गया, फिर राइट पे गए, हम राइट पे गए तो इसके लेफ्ट पे गए, यानी कि C8, फिर C9, फिर C7, फिर C1। ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है, ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है। यस सर। क्लियर है? यस सर। मैंने क्या बोला, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस क्या होता है हमारा, प्री ऑर्डर, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होता है हमारा, पोस्ट ऑर्डर। क्लियर है? और एक चीज और बता दे रहा हूँ, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले कौन सा चाइल्ड कॉल होता है, मतलब एग्जीक्यूट होता है, लेफ्ट चाइल्ड। हेलो, रियलिटी में बोलूं तो जो भी फंक्शन कॉल पहले आती है वो हमारी लेफ्ट पे आती है बाय डिफॉल्ट। हेलो, यस सर। चलिए पहले जल्दी से ये नोट लिखिए जरा, ये इतना बना लिए पहले जल्दी से,
लिखी है क्या? यस सर हो गया। चलिए लिखिए नोट। इन प्रोग्राम whichever child comes first, in program whichever child comes first will be executed first. In program whichever child comes first will be executed first. Will be executed first. Bracket में that is either left or right child. Bracket में that is either left or right child. Bracket close. By default, we use left child. Clear? Hello. Yes, sir. Now, next note likhi. In every programming language, function calling sequence is pre-order. In every programming language, function calling sequence is pre-order. Next, function execution order is post-order. Function execution order is post order. Function execution order is post order. लिख लिया? कर दूँ राब? Yes sir. Yes sir. Yes sir. चलिए सुनिए ध्यान से। हम एल्गोरिथम तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्योंकि अभी हमने ट्री बना रखा है। एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस क्या बताया था? एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस क्या होता है? नथिंग बट नंबर ऑफ लेवल्स। देखिए ध्यान से, हमें किसका मर्डर करना था? सी1 का बड़ा बेटा आया, C2, फिर इसका बड़ा बेटा C3, फिर इसका बड़ा बेटा C4। नाउ बैचलर मर्डर, ध्यान से सुनिएगा, ये स्पेस फ्री हो गया, इसी जगह पे आ रहा है इसका छोटा बेटा कौन? C5। ये भी बैचलर मर्डर, C4 गया, C5 गया, ये समझ में आ रहा है ना? ये गया मतलब ये भी गया। हेलो, यस सर। फिर हमें तो मर्डर करना था C2 का, तो C2 का छोटा बेटा C6 बैचलर मर्डर, ये गया मतलब ये भी गया। फिर हमें मर्डर करना था C1 का, इसका छोटा बेटा कौन आया? C7। नाउ क्या ये बैचलर है? नहीं, इसने किसको कॉल किया? C8। नाउ बैचलर मर्डर, फिर किसको कॉल किया? C9। फिर बैचलर मर्डर, ये गया मतलब ये भी गया, मतलब ये भी गया, बन गए परफेक्ट क्रिमिनल। यस सर। तो कह सकता हूँ यही क्या है हमारा? एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस, व्हिच इज नंबर ऑफ लेवल्स। हाँ बताइए क्या होगा? ऑर्डर ऑफ लॉग इन। वेरी गुड। ऑर्डर ऑफ लॉग इन क्यों होगा? क्योंकि कह सकता हूँ लेवल कितनी होगी? परमानेंट। प्रॉब्लम हम बाई टू में डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. रियलिटी में बोलूं नंबर ऑफ लेवल क्या होंगे? ऑर्डर ऑफ लॉग इन बेस 2 तो क्या है? कांस्टेंट, तो नथिंग बट ऑर्डर ऑफ लॉग इन। क्लियर है? हेलो, यस सर। यस सर, जल्दी से बना लीजिए इसको। ये C9 आपने दो बार क्यों लिया यहाँ? C9 दो बार क्यों लिया? कहाँ पे लिया है? कहाँ पे C9 दो दो बार दिखाई दे रहा है? अरे शर्म नहीं आ रही? C9 केवल ये है। ओके सर, उठ जाओ, नींद से उठ जाओ। समझ में आना तो सर कब का बंद हो गया था? अब तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्यों? दिख रहा है ना? यस
यस सर। मानोगे नहीं ऐसे, लो लो मैं ही दिखाता हूँ, लो अब आपके कंफर्ट जोन में ही पढ़ाना शुरू करता हूँ। देखिए हो गया ये, हो गया सर। ये देखिए रतन से हमारी एल्गोरिथम क्या होगी अब देखो। तो देखिए एल्गोरिथम लिखिए, एल्गोरिथम तो मैंने क्या बोला था आपसे कि स्ट्रेट मैक्सिमम का मतलब क्या है विदाउट डीएससी मैक्सिमम, नहीं तो आपसे क्या बोला जाएगा डिवाइड एंड कॉन्क्योर मैक्सिमम बोलूं तब भी एक ही बात है या फिर मैक्सिमम बोलूं तब भी एक ही बात है। मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट किसका एप्लीकेशन है, डिवाइड एंड कॉन्क्योर का। डिवाइड एंड कॉन्क्योर मैक्सिमम एरे ए आई टू जे एलिमेंट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम जो हमें रिटर्न करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारी टर्मिनेशन कंडीशन आएगी। नाउ टर्मिनेशन कंडीशन आएगी, टर्मिनेशन कंडीशन कह सकता हूं प्रॉब्लम इज स्मॉल। अब टर्मिनेशन कंडीशन हमारी दो दो है कि नहीं? यस सर। कितनी भी कोशिश कर लूं आपकी जैसी लो एनर्जी में बोल नहीं पाता हूं। यस सर। और आप तो मतलब कितनी भी कोशिश कर लो आपसे हाई एनर्जी नहीं निकलती है। चलो देखो रतन से मैंने क्या बोला कि डिवाइड एंड कॉन्क्योर की रेकरेंस वो एल्गोरिथम लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या आई हमारी टर्मिनेशन कंडीशन, टर्मिनेशन कंडीशन हमारी दो दो है कि नहीं? क्या कि अगर एरे में एक ही एलिमेंट है, नाउ इफ आई इक्वल टू जे, इफ आई इक्वल टू जे इसका मतलब क्या है एरे में एक ही एलिमेंट है तो वही एलिमेंट हो जाएगा हमारा मैक्सिमम, वही एलिमेंट हो जाएगा हमारा मिनिमम। कोई डाउट? नो सर। तो ये तो मैंने बोला किसके लिए है कि अगर प्रॉब्लम अगर एरे में हमारा एक ही एलिमेंट है ना एल्स। अब अभी तो एक और टर्मिनेशन कंडीशन है, क्या अगर एरे में दो एलिमेंट है तो एल्स इफ आई इक्वल्स जे माइनस वन, I equals J minus 1, array में दो element है, इसका मतलब क्या I की value 1 होगी, J की value 2 होगी, मतलब 1 equals 2 minus 1, clear है? तो अब ध्यान से देखिए, now I equals J minus 1, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम compare करेंगे, अब array में हमारे दो element है, हम उन दोनों के बीच में comparison करेंगे कि नहीं? Yes sir. If a of i is greater than a of j, if a of i is greater than a of j, अगर ऐसा होता है तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारा? ai. मिनिमम क्या हो जाएगा? j. else अगर कंपैरिजन फॉल्स हो गया तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? j. मिनिमम क्या हो जाएगा? क्लियर, मिनिमम हो गया हमारा ai रिटर्न मैक्सिमम। लिखा? Yes, चलो अब देखो रतन से else, इसी के आगे लिख रहा हूं मैं, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूं, नहीं तो कई लोग जबरदस्ती अपनी नोटबुक में पेज चेंज कर दें। क्लियर है ना? चलिए देखिए रतन से else, else का मतलब क्या है, अभी हमारा फाइनल else है, else का मतलब क्या है, प्रॉब्लम इज बोलो बिग बिग आई नीड रतन से else का मतलब क्या है, अब हमारा ये फाइनल else है और ये क्या बोलना चाहता है, प्रॉब्लम इज बिग। तो प्रॉब्लम बिग तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे हम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मिड। तो मैंने क्या किया, मिड निकाला i + j / 2 फ्लोर वैल्यू। क्लियर? फिर हमने क्या किया, रिकर्सिवली डिवाइड एंड कॉन्क्योर मैक्सिमम लगा दिया दोनों हाफ्स पे। तो क्या डिवाइड एंड कॉन्क्योर मैक्सिमम एरे ए i से लेके मिड तक, नाउ इसने रिटर्न किया, इसने भी रिटर्न किया मैक्सिमम मिनिमम, मैंने क्या कर दिया इसका नाम दे दिया मैक्स वन मिनिमम। क्या रिटर्न करता है, मैक्स वन एंड मिनिमम। हेलो, नाउ फिर डिवाइड एंड कॉन्क्योर राइट चाइल्ड मैक्सिमम एरे ए मिड प्लस वन से लेके जे पे लगाया, इसने क्या रिटर्न कर दिया मैक्स टू मिन टू। हेलो, यस सर। नाउ अब ध्यान से देखिएगा, फिर हमने क्या किया, इफ
max 1 is less than max 2. अब दोनों max के बीच में comparison करेंगे, दोनों min के बीच में करेंगे. If max 1 is equal is less than max 2, तो max क्या हो जाएगा हमारा? Max 2 else max क्या हो जाएगा हमारा? अरे सुनिए ध्यान से, हमारे पास इस हाफ का मैक्सिमम मिनिमम क्या है? मैक्सिमम मिन 1. दूसरे हाफ का मैक्सिमम मिनिमम क्या है? मैक्स 2 मिन 2. अब ओवरऑल मैक्सिमम कौन सा होगा? हमने दोनों मैक्स को कंपैरिजन किया. हेलो, हमने दोनों मैक्स को कंपैरिजन किया कि इफ मैक्स 1 इज लेस देन मैक्स 2, अगर ऐसा होता है तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारा? मैक्स 2. नहीं तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारा? मैक्स 1. बोलो. यस सर. नाउ फिर अब सेम काम का हमें करना होगा मिनिमम के लिए. एक सेकंड लाइट हो गया. देखिए फिर हमने क्या किया, इफ ये क्या, इफ मिन 1 इज लेस देन मिन 2. इफ मिन 1 इज लेस देन मिन 2, अगर कंपैरिजन ट्रू है तो मिन इक्वल्स क्या हो जाएगा? मिन 1. मिन 1 एल्स बना लो क्या 9000 और बचे हैं. हम कल कभी हो गया ना. Else min क्या हो जाएगा हमारा? Min 2. Min 2. Clear है? फिर finally क्या कर दिया? Return max min खत्म. Clear है? Yes sir. Yes sir. दे दो इन वो कार्ड. लिख लीजिए जल्दी से. क्या अभी कॉलेज की क्लास क्लास अटेंड करके आए हो क्या जो इतने थके हो? कौन है, अपना माइक बंद कर लो. देखो कोई भी डाउट है तो पूछो. दिखा लिख लिया? यस सर. चलिए लिखिए जरा. लिखिए लेट टी एन बी द एक मिनट. हो गया? अरे देखो लिखने की स्पीड अच्छी रखो. मैं चाह रहा हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मैं डिवोट करूं आपको चीजें समझाने में, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका कंटेंट करा सकूं. सुनो ध्यान से, आपको बता ही चुका हूं कि आपके कॉलेज की तरफ से मुझे बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम मिला है. तो आप नहीं चाहते क्या कि जो कंटेंट मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, जो कोचिंग वाले हैं, वो सही सेम कंटेंट आपको दूं? Yes, sir. तो अब देखो जान से, मैंने आपको बोला कि मतलब लिमिटेशन टाइम की इतनी बड़ी है कि ऑब्वियस सी बात है मैं भी चाहता हूँ वो कंटेंट दे दूं, लेकिन वो कंटेंट देना तो इम्पॉसिबल होगा. लेकिन एटलीस्ट मैं आपको उतना कंटेंट दे दूं कि मतलब आपको गेट से रिलेटेड इश्यूज ना आए, मतलब एटलीस्ट इम्पोर्टेंट चीज तो सारी सारी कवर कर दूं. Yes, sir. तो जितना जल्दी आप लिखोगे उतना ज्यादा टाइम मुझे मिलेगा. करिए लिखिए, लेट टी एन बी द नंबर ऑफ कंपैरिजंस. Let Tn be the number of comparisons between the elements. Let Tn be the number of comparisons between the elements in the above algorithm. In the above algorithm, for the n elements array. Let Tn be the number of comparisons between the elements for the above algorithms. Let Tn be the number of comparisons between the elements in the above algorithm for the n. Sorry. For the n, hello.
Let TN be the number of comparisons between the elements in the above algorithm for the n elements array. For the n elements array. Then recurrence relation. लिखा इतना? Yes, sir. चलो देखिए रेदान से, तो देखिए रेदान से रेकरेंस रिलेशन की मैं बात करता हूं। मैंने आपको क्या लिखवाया है, टीएन क्या है हमारा, नंबर ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द एलिमेंट्स एलिमेंट्स। तो अब ध्यान से देखिएगा, पहले तो मैं इसको समझा देता हूं आपको थोड़ा सा। देखिए, कह सकता हूं यहां से लेके यहां तक प्रॉब्लम हमारी क्या है, स्मॉल है कि नहीं? यस यस सर। यहां से लेके यहां तक प्रॉब्लम क्या है हमारी, स्मॉल है कि नहीं? ये क्या है अगर वन एलिमेंट है, ये क्या है अगर टू एलिमेंट है, क्लियर? लेकिन वन एलिमेंट हो चाहे दो एलिमेंट हो, दोनों ही में प्रॉब्लम क्या है हमारी, स्मॉल, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारी, टर्मिनेशन कंडीशन, क्लियर? नाउ ये स्टेप क्या है, एल्स पे हम गए, फाइनल एल्स पे गए, मतलब ये स्टेप क्या है, डिवाइड। यस सर। ये क्या है, कॉन्क्योर। यस सर। और ये क्या है, कंबाइन। कोई डाउट बोलो? नो सर। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला, टीएन क्या है, नंबर ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द एलिमेंट्स, बिटवीन द एलिमेंट्स। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये कंपैरिजन है, लेकिन ये तो बिटवीन द इंडेक्स है कि नहीं? अरे आई इक्वल टू जे कंपैरिजन है, लेकिन बिटवीन द इंडेक्स है, ना कि बिटवीन द एलिमेंट है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन है क्या? नहीं कह सकता हूँ, जीरो कंपैरिजन। नाउ सुनिए, जैसे यहाँ पे भी वन कंपैरिजन, लेकिन ये तो बिटवीन द इंडेक्स है, ये हमारा वन कंपैरिजन है कि नहीं? यहाँ पे और कहीं कंपैरिजन कोई कहीं पे? नहीं ना। अब ध्यान से सुनिएगा, डिवाइड, डिवाइड में कोई कंपैरिजन हुआ क्या? नहीं, जीरो कंपैरिजन। हेलो। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे बोला प्रॉब्लम साइज n कितने कंपैरिजन लगे t ऑफ n। तो यहाँ पे बताइए जरा, इस फंक्शन कॉल में प्रॉब्लम साइज कितना है हमारा, n by 2 है कि नहीं? n by 2। तो कंपैरिजन कितने लगेंगे, कह सकता हूं tn by 2। सिमिलरली इधर पे कितने लगेंगे, tn by 2। ना अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, वन कंपैरिजन, ये क्या है, वन मोर कंपैरिजन, ओवरऑल टू कंपैरिजन। क्लियर है? जल्दी से लिख ली जो कुछ भी लिखा मैंने अभी। हो गया? अरे बस छोटी छोटी चीज लगी है, दो तीन। हेलो, रब कर दूं? यस सर। Yes, अब मैं इसको रब करता हूँ तो recurrence relation हमारी क्या होगी? चलो देखो जरा नीचे। क्या लिखा है? TN क्या है? Number of comparison between the elements। तो ध्यान से देखिएगा, if n equal to 1 कितने comparison? Zero। If n equal to 2 कितने comparison? One। If n greater than 2, if n greater than 2 तब कितने comparison? Directly लिख दूँ? N by 2। कह सकता हूँ प्रॉब्लम साइज था n, इसको मैं बोलूंगा कैसे, देखिए हमसे बोलने पे कमांड लेके आना, प्रॉब्लम साइज था n कितने कंपैरिजन, t ऑफ n कितने कंपैरिजन लगेंगे, मुझे नहीं पता कितने कंपैरिजन लगेंगे, यूजिंग टू कंपैरिजन प्रॉब्लम हमारी दो सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है जिनका साइज क्या है, हाफ। यस सर। क्लियर है? तो देखो एकदम से, अब इसको सॉल्व करते हैं। मीन रेकरेंस रिलेशन हमारी क्या आ गई, 2tn/2+2। चलिए तो देखिए ध्यान से, ये नेक्स्ट टाइम क्या आ जाएगा, अब ये तो आप कर ही चुके हो तो डायरेक्टली कर रहा हूं अब। यस सर। यस सर। यस सर। 2 एंड सो ऑन, मैं इसको कितनी बार इटरेट करूंगा, मैंने इसको बोल दिया कि मैं इसको k-1 टाइम से इटरेट करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि विदाउट कंपैरिजन मैक्सिमम मिनिमम नहीं बता सकते, यानी कि मुझे रेकरेंस रिलेशन टर्मिनेशन कंडीशन इसका यूज करना है। हेलो। अरे फॉर एग्जाम्पल, आपसे मैंने पूछा कि दो दो टर्मिनेशन कंडीशन है, फंक्शन को आप टर्मिनेट कैसे करोगे, किसी एक टर्मिनेशन कंडीशन का यूज करके किसका यूज करोगे आप?
n equal to 2 क्यों? क्योंकि comparison तो उधरी पे हो रहा है ना, n equal to 1 में तो कोई comparison ही नहीं हो रहा है, ये तो एक special case बन रहा है क्या कि race में एक ही person है तो first वही आएगा last वही आएगा. Yes sir. तो जैसे मैंने इसको अगर k minus 1 time से trade किया तो ये क्या आ जाएगा 2 power k minus 1 t n by 2 power k minus 1 तो 2 time ये 2 से खुल रहा था तो k minus 1 time ये k minus 1 से खुलेगा कि नहीं? Yes sir. मैंने इसको k माइनस वन टाइम क्यों ट्रेड किया, मैंने अज्यूम किया n by 2 पावर k माइनस वन क्या बन जाए हमारा 2 बन जाए टर्मिनेशन कंडीशन, यानी कि n क्या बन जाए हमारा 2 पावर k माइनस वन इनटू 2 यानी कि 2 पावर k, यानी k क्या बन जाए हमारा n log n base 2. कोई डाउट? नो सर. तो अब ध्यान से देखिए 2 पावर k माइनस वन कह सकता हूँ, ये क्या हमारा 2 पावर k by 2 और 2 पावर k क्या हमारा n, तो n by 2 into t of 2. हेलो यस सर. आपसे नहीं जानते मैंने आपसे क्या बोला था कि स्टैंडर्ड एप्लीकेशन में वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, मतलब मैथमेटिकली भी पूछ सकते हैं एसिम्प्टोटिकली भी पूछ सकते हैं. तो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालता तब तो मैं डायरेक्टली एल्गोरिथम का यूज करता, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट निकाल रहा हूं तो मैं जीपी सीरीज का समेशन लगा रहा हूं, फर्स्ट टर्म 2 कॉमन रेशियो 2 1 से लेके k - 1 कितने टर्म्स k - 1 - 1 अपॉन e r टू द पावर n - 1 अपॉन r - 1. यस सर. Now the here then see, तो ये क्या आ गया n by 2, t of 2 क्या है हमारा 1 है कि नहीं? Yes sir. देखो 2 minus 1 ये तो हमारा 1 हो गया, 2 into 2 power k minus 1 यानी कि 2 power k यानी कि n. Hello. Yes sir. तो कह सकता हूँ ये क्या आ गया हमारा n plus n by 2 minus 2 कह सकता हूँ 1.5 कह सकता हूँ 1.5 n minus 2. Yes, sir. आए हमारे exact comparisons. Clear है? Yes, sir. तो अब ध्यान से सुनिएगा, exact comparison ये आए, अगर मैं बात करूँ, एक comparison कितना time? Constant time. तो 1.5 तो क्या है? Constant minus 2 तो क्या है? Constant यानी कि n into constant which is theta of n. Theta of n क्यों? क्योंकि question से answer तो theta ही में आएगा. Yes, sir. क्या बोला था मैंने? Best case और worst case में आपकी recurrence relation ही change हो जाएगी. क्योंकि एक अगर रेकरेंस रिलेशन है तो उसका तो आंसर एक ही आएगा. यस सर. क्लियर है? यस सर. चलो देखो लिख लो जरा इसको जल्दी से लिख लीजिए. ध्यान से देखिए यही हमारा क्या बताता था, क्या बताया था, ये क्या बताता है हमारा एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस नंबर ऑफ लेवल्स व्हिच इज ऑर्डर ऑफ लॉग इन. कर्मुराग कर दूं ना? Yes sir. पूरा कर दूं आप? Yes sir. चलो देखिए लगन से. तो ये तो आ गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अगर मैं बात करता हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो वो क्या होगी हमारी इनपुट प्लस एक्स्ट्रा. नाउ इनपुट कितना? एक है रियन एलिमेंट की 2n बाइट. एक्स्ट्रा क्या? एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस नंबर ऑफ लेवल्स व्हिच इज ऑर्डर ऑफ लॉग इन Login. तो n plus login which is order of n. Clear? Yes, ma'am. लिखिए जल्दी से. It's
लिया हेलो यस सर चलिए अब कंपैरिजन की बात करता हूँ लिखो आपको बाद में दूंगा पहले मुझे जल्दी से बताइए जरा विद डीएसी मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन थीटा ऑफ एन थीटा ऑफ एन हर केस में एन नाउ विदाउट डीएसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ एन विद डीएसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन विदाउट डीएसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एन बताऊं अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में से बेटर कौन सी बेटर है विदाउट डीएसी देखिए ध्यान से दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है दोनों की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम है विदाउट डीएसी एक्स्ट्रा स्पेस लॉग एन कांस्टेंट 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 क्या कर रहे सर हां ठीक है डीएसी एक्स्ट्रा स्पेस लॉग एन लॉग एन तो कह सकता हूं स्टेट मैक्सिमम हमारी बेटर है यस सर लिखिए नोट Finding maximum and minimum. Finding maximum and minimum will take same time using finding maximum and minimum will take same time using state maximum and divide and conquer maximum. Finding maximum and minimum will take same time using state maximum and divide and conquer maximum. That is theta of n. That is theta of n bracket में finding maximum and minimum will take same time using straight maximum and divide and conquer maximum and divide and conquer maximum that is theta of n first and last time लिखवा रहा हूँ आप bracket में लिखिएगा best worst average all are same अगर मैंने थीटा ऑफ एन लिख ही दिया है इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे क्या हैं सेम है यस यस सर नो कंक्लूजन लिखिए कंक्लूजन कंक्लूजन स्टेट मैक्सिमम इज बेटर बिकॉज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस Because no need of extra stack space. Because no need of extra stack space. Sir, एक बार और repeat कर दीजिए. State maximum is better because no need of extra stack space. Because no need of extra stack space. लिख लिया हेलो यस सर थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें आपको कि कंपटीशन में क्रेमर एलिमिनेट कैसे हो जाते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे पूछा मैक्सिमम की मैंने रेकरेंस रिलेशन आपसे पूछी थी अब मुझे बताइए ना मैंने आपसे बोल दिया कि मैक्सिमम की रेकरेंस रिलेशन बताइए अगर टीएन क्या है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टीएन क्या है हमारी टाइम टू डिटरमाइन मैक्सिमम एंड मिनिमम इन ए एरिया ऑफ एन एलिमेंट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बताइए जल्दी से टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी इफ n इक्वल्स क्या सर किसकी पूछ रहे आप स्ट्रेट की या विद डीएसी अरे विद डीएसी अरे स्टेट स्ट्रेट में रिकरेंस रिलेशन थोड़ी ना आएगी क्योंकि रिकर्शन तो यूज ही नहीं है ना बोलिए कांस्टेंट कांस्टेंट वेरी गुड इफ n इक्वल टू 1 कांस्टेंट इफ n ग्रेटर देन 1 क्या कर रहा हूँ मैं सॉरी 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 बोल भी नहीं रहा है ये वन होगा ये ग्रेटर देन टू होगा टू टी एन बाय टू प्लस सी टू टी एन बाय टू प्लस सी वेरी वेरी गुड क्यों सुनिए ना से ये कांस्टेंट टाइम किसके लिए दो कंपैरिजन के लिए टू कंपैरिजन विल टेक हाउ मच टाइम कांस्टेंट टाइम यस सर क्लियर है तो अब ध्यान रखिएगा रेकरेंस रिलेशन में कुछ भी लिखाता हूँ और अगर अपोजिट टाइप से पूछा जाए तो आप कर लोगे ना Yes, sir. मतलब ध्यान से देखना अगर कंपैरिजन है टाइम है रेकरेंस रिलेशन तुरंत चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ये कंपैरिजन करने में कितना टाइम कांस्टेंट टाइम हेलो क्या के भी इधर पे ये लिखेंगे क्या कि 1 सर की जगह हमने काट के 1 लिख दिया ये तुरंत पाप हो जाएगा क्यों 1 का मतलब क्या 1 सेकंड 1 मिनट
क्लियर? यस सर। नाउ अब सुनिए ध्यान से, तो ये तो हो गई हमारी। अब एक चीज और आपको बता दे रहा हूँ कि सुनिए, जैसे कि अगर आप कोरमैन में देखोगे, आपने देखा होगा तो आपको दिखा होगा कि मैक्सिमम टाइम हर एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या तो बिगो में दी गई होती है, थीटा में दी गई होती है। हेलो, यस सर। ना सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये पॉइंट मुझे सही में याद नहीं, मैंने पहले बताया कि नहीं बताया क्लास में। सुनिए, बिगो कौन सा केस बताता है? वर्स्ट केस। वर्स्ट केस। ओमेगा। वर्स्ट केस। थीटा। दोनों का एक। ठीक है। वो सेम। yes, अब सुनिए ध्यान से, अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो बिगो वर्स्ट केस बताएगा, ओमेगा बेस्ट केस बताएगा, थीटा क्या बताएगा कि बेस्ट और वर्स्ट दोनों सेम है, मतलब बेस्ट भी वही, वर्स्ट भी वही, एवरेज भी वही। yes, अगर सपोज मैंने बोल दिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैंने आप सपोज आपसे बोल दिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन बेस्ट केस इज ऑर्डर ऑफ एन, तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैंने बोल दिया बेस्ट केस इज ऑर्डर ऑफ एन, एक बार मैंने बेस्ट केस बोल दिया ना, तो मैटर नहीं करता इधर पे आप नोटेशन कौन सा यूज कर रहे हो। समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि सुनो ध्यान से, अगर पहली बात तो कॉमन सेंस की बात, अगर ये मैटर करता होता तब तो ये स्टेटमेंट ही मेरा इलॉजिकल हो जाता, क्योंकि बेस्ट केस क्या है? मिनिमम। ये क्या है? मैक्सिमम। यस सर। तो कहने का मतलब है, अगर मैंने एक बार बोल दिया कि केस कौन सा है, तो नोटेशन आप कोई भी यूज करो, मैटर नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। चलिए, अब कोई डाउट? नो सर। फिर हेडिंग डालिए बाइनरी सर्च, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बाइनरी सर्च। नाउ अब सुनिए ध्यान से, बाइनरी सर्च सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा कि बाइनरी सर्च के साथ कंडीशन क्या होती है? सॉर्टेड एरे होना चाहिए। वेरी गुड। कहने का मतलब है बाइनरी सर्च क्या है? सर्च करने की एल्गोरिथम, और कब एप्लीकेबल होती है? जब एरे क्या हो, हमारी सॉर्टेड हो। तो चलो सुनो ध्यान से, अभी तो मैं बाइनरी सर्च की बात ही नहीं कर रहा, हेडिंग क्या डाली हमने, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारा? बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च पे तो हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हेडिंग डालिए सर्च की। सर्चिंग के बाद फिर सबसे पहले हेडिंग डालिए लीनियर सर्च। लीनियर सर्च लिखिए, इनपुट इनपुट आउटपुट। लीनियर सर्च की अगर मैं बात करूं, तो ये तो मैं डे वन से बताते चला आ रहा हूं कि सपोज मुझे पता करना है आपकी क्लास में कौन है रजनीकांत, तो मैं क्या करूंगा, हर एक से पूछूंगा एक करके, आर यू रजनीकांत, आर यू रजनीकांत, आर यू रजनीकांत, एंड सो ऑन। हेलो, नाउ सुनिए ध्यान से, चलो सबसे पहले अपने बारे में की बता दे रहा हूँ कि जैसे जैसे आप एल्गोरिथम में प्रोसीड करोगे ना, जैसे जैसे आपके बेसिक क्लियर होते जाएंगे, मेरी आदत है कि कोई भी एल्गोरिथम आती है तो सबसे पहले बिना कुछ लिखे मैं उसे बोर्ड पे बोल बोल के ही खत्म कर देता हूँ। समझ में आ रहा है? फाइनली जब वो कम्प्लीटली कम्प्लीट हो जाती है, इसके बाद में मैं लिख लिख के डिटेल में समझाना शुरू करता हूँ, ताकि आपका साइमल्टेनियसली उधरी की उधर हल्के हल्के रिविजन हो जाए। क्लियर है? यस सर। तो चल रहा है ना? यस सर। ये क्या है कि मैंने पहले देखा था अराउंड 30-35 थे, अब ये करते करते 50 आ गए। अरे बाकी सब जो आए हो आप सबका मैक्सिमम छूट गया है, कम से कम स्टैंडर्ड एप्लीकेशन में तो ऐसा मत करो। चलो देखो मेरे ध्यान से, तो इनपुट लिखिए पहले जल्दी से। नहीं, पहले समझाई देता हूँ बोल के, सुनिए ध्यान से। तो मैंने आपसे क्या बोला कि सपोज आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है एन, मुझे पता करना है कौन है रजनीकांत, तो मैं क्या करूंगा, हर एक से पूछूंगा आर यू रजनीकांत एंड सो ऑन। बोलो। यस सर। ध्यान से सुनिए, अगर मैं लकी हूं तो कितने कंपैरिजन? वन कंपैरिजन। पहले ही पर्सन बोलेगा यस आई एम रजनीकांत। अगर मैं अनलकी हूं तो कितने कंपैरिजन? टेन कंपैरिजन कह सकता हूं, या तो लास्ट पर्सन होगा रजनीकांत, या फिर रजनीकांत हो गई नहीं, तो मुझे ये पता करने के लिए सबसे पूछना पड़ेगा कि नहीं। सुनिए ध्यान से, कह सकता हूं वन कंपैरिजन विल टेक हाउ मच टाइम, कांस्टेंट टाइम, तो कह सकता हूं बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। वर्स्ट केस में कितने कंपैरिजन? n कंपैरिजन, a कंपैरिजन, कांस्टेंट टाइम मतलब n इनटू कांस्टेंट व्हिच इज ऑर्डर ऑफ n। यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा, एवरेज केस क्या होता है? एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल द केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केसेस। यस सर। कह सकता हूं, कह सकता हूं वो भी आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n। यस सर। Now, अब कहने का मतलब है, यहाँ पे हमने रिकर्शन का तो यूज नहीं किया। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो इनपुट प्लस एक्स्ट्रा,
इनपुट में क्या है, एरे ए है n एलिमेंट्स की, 2n बाय एक्स्ट्रा क्या कांस्टेंट, यस सर, व्हिच इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n n। तो अब देखो जरा डिटेल में देखते हैं हम। देखिए इनपुट, एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स, एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स, n एलिमेंट x, एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स एंड एलिमेंट x, एंड एलिमेंट x, सर लास्ट में n एलिमेंट, एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स एंड एलिमेंट x, एलिमेंट x जो जो हमें सर्च करना है, यस सर, आउटपुट रिटर्न पोजीशन ऑफ x, रिटर्न पोजीशन ऑफ x if x is found, else return minus 1, return position of x, if x is found, else return minus 1, else return minus 1, else return minus 1, लिखा? Yes sir. Now, कहने का मतलब देखिए रतन से, हमने अपने एग्जांपल में मेरे आपको एरे दे दी, 8 एलिमेंट्स की एरे दी है, ठीक है, कहने का मतलब n एलिमेंट्स की एरे की मैंने, अब सपोज मैंने x दे दिया आपको, सपोज 10, तो आउटपुट क्या आएगा बोलो, 1 उसकी पोजीशन, सर नहीं आ रही। नाउ सपोज अगर x होता हमारा 50, आउटपुट क्या आता, 5। नाउ सपोज अगर x होता हमारा 80, आउटपुट क्या आता, 8। Now suppose अगर x होता हमारा 75, output क्या आता? -1। Clear है? Yes sir। तो अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं time complexity की बात करूँ, best case, worst case, average case। Best case में कितने comparison? एक comparison कितना time? Constant time। Worst case, order of n, कोई doubt? No, sir. अब सुनिए जैसे एवरेज केस की बात करूंगा, मैं डिटेल में बताता हूँ आपको एवरेज केस। तो सुनिए जैसे अगर मैंने आपकी क्लास का टेस्ट लिया, मुझे एवरेज मार्क्स निकालने हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबके मार्क्स ऐड करूंगा डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, यस सर, ऐसे तो सम ऑफ ऑल द केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केसेस, यस सर। देखिए जैसे एवरेज केस में क्या होगा, या तो मुझे पता चल जाएगा एक कंपैरिजन में कौन है रजनीकांत, या फिर दो कंपैरिजन, या फिर तीन कंपैरिजन, अरे और मींस व्हाट, यस सर, और मींस प्लस बोले, यस सर, इधर वन कंपैरिजन और टू कंपैरिजन और थ्री कंपैरिजन और फोर कंपैरिजन एंड सो ऑन एन कंपैरिजन, अरे फॉर्मूलेशन कॉम्बिनेशन का जो बेसिक बताया था आपको, और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यस सर, ये बताया था, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए देखिए ध्यान से, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ कंपैरिजन, नंबर ऑफ केसेस यानी कि एन, तो देखिए ध्यान से ये हमारा क्या आ गया, n into n plus 1 by 2 divided by n, तो nn cancel, तो आया क्या n plus 1 by 2, ध्यान से देखिएगा, आया क्या हमारा n plus 1 by 2, अब n plus 1 by 2 हमारा जो कुछ भी होगा, क्या मैं कह सकता हूँ वो less than equal to n होगा, yes sir, yes sir, कह सकता हूँ less than equal to n होगा, इसका मतलब क्या है, big O of n होगा, yes sir, clear है, तो average case time complexity is nothing but big O of n, अब मुझे बताइए रहा, इस case में क्या मैं theta represent कर सकता हूँ, yes sir, नहीं, अरे no, कहाँ कर सकता हूँ, no, बेस्ट केस और वर्स्ट केस अलग है, दोनों अलग अलग है, क्लियर है, यस सर, लिख लीजिए जल्दी से, यस सर, करूँ डाब बोलो, यस सर, चलिए देखिए रतन से, तो अब मैंने आपसे बोला कि ये तो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता तो सबसे पहले तो हम डिटेल में एल्गोरिथम देख लेते हैं, तो देखिए रतन से एल्गोरिथम क्या है, लीनियर सर्च एरे ए एन एलिमेंट्स एंड एलिमेंट एक्स व्हिच वी हैव टू सर्च, क्लियर है, Yes, sir. तो देखिए रतन से हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हर एक एलिमेंट से को कंपेयर करते हैं कि नहीं,
फॉर आई इक्वल टू वन आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस लीनियरली चेक करते हैं हर एक एलिमेंट को. नाउ क्या इफ इफ ए ऑफ आई इक्वल टू एक्स इफ ए ऑफ आई इक्वल टू एक्स रिटर्न आई क्लियर है. Yes, sir. और फाइनली अगर अभी भी नहीं मिलता है लूप खत्म होने के बाद भी तो रिटर्न क्लियर. यस सर. तो अब ध्यान से सुनिएगा अगर मैं इधर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलूं तो ध्यान से देखिएगा ये लूप कितनी बार चलेगा. N times. पाप शर्म नहीं आ रही आंखों का यूज करना है. सुनो ध्यान से अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसी समय बाहर निकल जाओगे कि नहीं. नहीं नहीं सर हम तो चलाएंगे हम तो एन टाइम चलाएंगे. Yes, sir. अरे ये लूप एन टाइम चल जाता तो बेस्ट केस में भी ऑर्डर ऑफ एन आ जाती. Yes, sir. कहने का मतलब जैसे ही ये कंपैरिजन ट्रू होगा हम लूप के बाहर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे. कह सकता हूँ बेस्ट केस में एक ही बार चलेगा वर्स्ट केस में एन टाइम चलेगा कि नहीं. यस सर. क्लियर है. यस सर. चलिए अब ध्यान से सुनिएगा अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है हमारी इनपुट प्लस एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस. एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस मतलब रिकर्शन यूज नहीं हो रहा है लेकिन एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस मतलब याद मैं बोल रहा हूं क्रैम ना करो लेकिन आपने क्रैम ही करना है. अरे इधर कहां रिकर्शन यूज हुआ. यस सर. तो देखो ध्यान से इनपुट कितना अरे एन इंटीजर एलिमेंट की 2 बाइट प्लस 2 बाइट किसके लिए एक्स एलिमेंट जो हमें सर्च करना है. एक्स्ट्रा क्या आई एक्स माइनस वन एन एट बाइट. एट बाइट बोलूं कॉन्स्टेंट बोलूं मैटर करेगा क्या वो. हेलो. नो सर. कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हमारी ऑर्डर ऑफ एन. लिखिए जल्दी से. हो गया. बोलो. यस सर. यस सर. चलिए देखिए रतन सिंह तो अब हेडिंग डालिए बाइनरी सर्च. अब हेडिंग डालिए बाइनरी सर्च. तो क्या लगता है अभी बाइनरी सर्च आ जाएगी कि नहीं. हेलो. हेलो. हम बोलेंगे नहीं सर चाहे कुछ हो जाए हम बोलेंगे नहीं. हेलो. यस सर. चलो देखते हैं. वैसे आपको बता दे रहा हूँ बाइनरी सर्च आज आ गई ना तो बहुत बड़ी बात है अभी तो बहुत दूर की बात है. नाउ देखिए बाइनरी सर्च तो सबसे पहले बाइनरी सर्च के साथ मुझे बताइए ना मेन कंडीशन क्या लगी हुई होती है जो आपने अभी बताया था मुझे. सॉर्टेड एरे. Sorted array. लिखिए binary search is not applied. Binary search is not applied if array is not sorted. Binary search is not applied if array is not sorted. Binary search is not applied if array is not sorted. क्लियर. यस सर. चलिए देखिए एकदम से तो अब सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप मुझे बता ही चुके हो कि आप लोग का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं हुआ है तो मुझे ग्राफ की कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी. जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है उतनी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. क्लियर है. यस सर. पहले डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड नाउ सुनिए ना ट्री भी क्या होता है. एक ग्राफ होता है कह सकता हूँ एक स्पेशल टाइप का ग्राफ होता है नोन एज डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ. याद आ रहा है. यस सर. चलिए सुनिंदा सी तो ग्राफ क्या होता है हमारा सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस. सिमिलरली ट्री भी क्या होता है हमारा सेट ऑफ वर्टिसेस एंड. हेलो. यस सर. नाउ ग्राफ क्या होता है हमारा मे बी डायरेक्टेड मे बी Undirected. जबकि ट्री क्या होता है बताइए. Directed. Always directed.
ऑलवेज डायरेक्टेड. अब कई लोग कह रहे हैं सर हमें एरो तो दिखाई देते नहीं है ट्री में कई बार. अरे वो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टेड कैसे होता है. रूट टू चाइल्ड रूट टू लीफ ऑलवेज देयर शुड बी अ पाथ. कहने का मतलब देखिए जैसे ग्राफ क्या होता है हमारा मे बी डायरेक्टेड मे बी अनडायरेक्टेड. क्लियर. जबकि ट्री क्या होगा हमें हमेशा डायरेक्टेड. हमेशा ही क्या होगा डायरेक्टेड होगा. क्लियर है. ये हो सकता है दिखे आपको हो सकता है ना दिखे. तो बाय डिफॉल्ट होता है क्या कि रूट टू चाइल्ड देयर शुड बी अ पाथ. यस सर. नाउ नेक्स्ट वन ग्राफ क्या होता है हमारा मे बी कनेक्टेड मे बी डिसकनेक्टेड. कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड कहने का मतलब जैसे कि देखिए ध्यान से ये ग्राफ हमारा ये क्या है हमारा कनेक्टेड है. जबकि अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं ये ग्राफ कैसा है हमारा डिसकनेक्टेड है. yes. अरे वो सब आप डीप में तो ग्राफ थ्योरी में पढ़ोगे स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड वीकली कनेक्टेड डिसकनेक्टेड. याद आ रहा है कुछ. yes, जबकि ट्री क्या होता है हमेशा क्लियर. हेलो. यस सर. यस सर. नो ग्राफ ग्राफ की अगर मैं बात करूं ग्राफ में क्या रूट होता है. नहीं वो रूट एलिमेंट. जबकि ट्री की स्पेशलिटी क्या होती है कि उसमें रूट होता है. नाउ लास्ट पॉइंट ग्राफ में साइकिल होगी कि नहीं होगी. हो भी सकती है. मे और मे नॉट कंटेन साइकिल. जबकि ट्री में नहीं होगी. नहीं हो सकती. देखिए नो साइकिल एट ऑल. हो गया. यस सर. हो गया. यस सर. चलिए देखिए कर दूं अब. नाउ अब सुनिए जैसे कुछ ट्री के क्लासिफिकेशन कर लेते हैं. ट्री जल्दी से हम देख लेते हैं ट्री कैसे कैसे होते हैं हमारे. तो जल्दी जल्दी बताते जाइएगा. सुनिए जैसे बनल ट्री क्या होता है. बोलो. मुझे ये बताओ जरा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये बाइनरी ट्री है कि नहीं. तो कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा. अरे हाँ वही कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ. ये जो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ये बाइनरी ट्री है कि नहीं. yes, है. ये कौन सा बाइनरी ट्री है. एम्प्टी बाइनरी ट्री. ए बाइनरी ट्री विद नो नोड इज कॉल्ड एम्प्टी बाइनरी ट्री. सुनिए ना से बाइनरी ट्री क्या होता है हमारा. एटमोस्ट टू चाइल्ड्स. एटमोस्ट का मतलब क्या है. मैक्सिमम टू चाइल्ड्स मतलब लेस देन इक्वल टू टू चाइल्ड्स. क्लियर है. हेलो. यस सर. चलिए लिखिए जल्दी से बाइनरी ट्री क्या होता है. एटमोस्ट टू चाइल्ड्स. फॉर एग्जाम्पल दो तीन एग्जाम्पल ले लो. देखिए ना से ये हमारा बाइनरी ट्री है कि नहीं. अब ये मैं बनाऊं कैसे. नथिंग को मैं कैसे बना सकता हूं. तो ये नोड कोई नहीं बना रहा हूं. ये बस मैं बता रहा हूं ये एरिया मतलब कुछ भी नहीं. हेलो. अरे ये सारे के सारे हमारे बाइनरी ट्री है कि नहीं. yes, sir.
बताओ सारे के सारे हैं क्या? नो सर, ये नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। और इधर पे लिख लेना अ बाइनरी ट्री विद नो नोड is called empty binary tree. A binary tree with no node is called empty binary tree. With no node is called empty binary tree. Likha? Yes, sir. Chalo. Kardurab? Yes, sir. अब सुनिए ना सही, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है हमारा, जल्दी जल्दी बताओ। एग्जैक्टली टू चाइल्ड्स, कह सकता हूँ एग्जैक्टली टू नहीं, इधर जीरो और टू चाइल्ड। अगर एग्जैक्टली टू चाइल्ड हर एक के होंगे तो ट्री कभी कंप्लीट होगा क्या? अरे कोई बैचलर ही नहीं होगा। यस सर स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री तो बहुत अच्छे लॉजिक पे वर्क करता है। क्या लॉजिक होता है उसका? हम दो हमारे दो, ज्यादा हो तो फेंक दो। लिखिए इधर जीरो और टू चाइल्ड, इधर जीरो और टू चाइल्ड। देखिए ध्यान से, हर नोड की क्या है, या तो जीरो चाइल्ड है या फिर टू चाइल्ड है। यस सर। नाउ फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? इसी का दूसरा नाम है फुल बाइनरी ट्री। स्टिक बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? इधर जीरो और टू चाइल्ड। हेलो। यस सर। नेक्स्ट सुनिए ना, बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? सब बीएसटी में जो मतलब सर लेफ्ट चाइल्ड छोटा रहता है, राइट लेस देन इक्वल टू रूट से और लेस देन इक्वल टू राइट चाइल्ड, लेफ्ट स्मॉल राइट बिग। वेरी गुड शिवांश, टू चाइल्ड्स, वेरी गुड। नाउ देखिए रतन से, तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? देखिए रतन से, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री मतलब एटमोस्ट टू चाइल्ड विद ए सर्चिंग कंडीशन दैट पेरेंट इज, और रूट नहीं बोलो पेरेंट बोला करो, ये तो हर नोड पे कंडीशन लगी होती है कि नहीं। हेलो सर, पेरेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट एंड लेस देन इक्वल टू राइट। हेलो। यस सर। कोई डाउट? जल्दी बोलो। नो सर। Now, सुनिए ध्यान से, मैंने अच्छा कई बुक्स में देखा था, मुझे एक डाउट आया, मैंने कई बुक्स में देखा था उधर पे ऐसा था कि पेरेंट इज ग्रेटर देन लेफ्ट एंड लेस देन राइट। हेलो हेलो। यस सर। अरे सुनो ध्यान से, मैंने आपसे पूछा बीएसटी क्या होता है? बाइनरी ट्री होता है एटमोस्ट टू चाइल्ड विद ए सर्चिंग कंडीशन दैट लेफ्ट इज ग्रेटर, पेरेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट एंड लेस देन इक्वल टू राइट। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से सुनिएगा, जबकि मैंने कहीं देखा था, कई बुक्स में मैंने देखा है कि ये लिखा होता है parent is greater than left and less than right, तो दोनों में से करेक्ट कौन सा है? सर ऊपर वाला, above वाला। मतलब ये नीचे वाला गलत है कि नहीं? सर ऊपर वाला नीचे वाले को कवर कर रहा है। हाँ ऊपर वाला नीचे वाले को कवर, शर्म नहीं आ रही। अरे कहने का मतलब है, सुनिए ध्यान से, ह्यूमन बीइंग का सेट बॉयज के सेट को कवर कर रहा है, लेकिन करेक्ट तो ह्यूमन बीइंग बोलना होगा क्योंकि बॉयज में तो गर्ल्स आ भी नहीं रही हैं। हेलो। यस सर। यस सर। सुनिए ध्यान से, मैंने आपसे पूछा करेक्ट कौन सा है, जल्दी से बताओ। फर्स्ट सर, फुल बाइनरी ट्री वाज रॉन्ग माधवी, वही होता है फुल बाइनरी ट्री। आप जिसके साथ कंफ्यूज हो रहे होगे वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। देखो शर्म नहीं आ रही, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बहुत सोच समझ के बोला करो माधवी। सब फुल बाइनरी। हाँ वेरी गुड, हाँ सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। नहीं सर ठीक है। अरे नहीं नहीं बोलो तो, अरे अरे बोलो तो, मैं भी तो फिर कुछ बोलूं, बोलिए। नहीं सर ठीक है। शर्म नहीं आ रही, जो आपके मन में चल रहा है ना वो कंप्लीट बाइनरी होता है। सर समझ गया। चलो ठीक है ध्यान से, देखिए ध्यान से, तो बीएसटी आपको बता रहा था, सुनिए ध्यान से, ये दोनों ही करेक्ट हैं। हेलो। यस सर। ये दोनों ही करेक्ट हैं, सुनो ध्यान से, ये दोनों ही करेक्ट है, कोई मुझे बताएगा कैसे? सर
और अगर सेम एलिमेंट नहीं होंगे तो फिर सर छोटा जो सेकंड वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। अरे तो वो तो ऑब्वियसली वो कंडीशन आप सेम एलिमेंट गायब कर दोगे। मैं पूछ रहा हूँ ये दोनों करेक्ट कैसे हैं। अरे समझ रहे आप भाई। हाँ सर एक सिंगल नो रूट है बस फर्स्ट वाले में। क्या कर रहे हो आप एग्जांपल से ट्रू बनाने में लग गए हो। वो कह रहे की सेम रिपीटेड एलिमेंट नहीं होंगे, वो कह रहे हैं सिंगल रूट ट्रू। क्या हम एग्जांपल से कर सकते हैं? नो सर नहीं। लॉजिकली बताइए दोनों करेक्ट कैसे हैं। सर अगर इक्वल आएगा पेरेंट के तो कहीं भी डाल देंगे लेफ्ट में भी या फिर राइट में भी। वेरी गुड। तब तो ये वाला करेक्ट होना चाहिए। फिर ये वाला करेक्ट क्यों है सर? क्योंकि हमें केवल इससे मतलब है कि वो नंबर उसमें है या नहीं, इससे मतलब नहीं कि कितनी बार है। वेरी वेरी गुड। वेरी वेरी गुड। क्या नाम है? हेलो हर्ष। हर्ष वेरी वेरी गुड। तो अब सुनिए ध्यान से, हर्ष ने एकदम करेक्ट बोला कि सुनिए ध्यान से ये दोनों ही करेक्ट होते हैं। जनरली आप देखोगे कि लोग ये वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर लेते हैं वो भी आपको बता रहा हूँ। सुनिए ध्यान से, विद रिस्पेक्ट टू गेट बताऊं कि और ज्यादा डीप चलूं? अरे नहीं बताऊं कि केवल गेट के गेट में जितना रिक्वायर्ड है वो बताऊं? हेलो डीप। तो अब देखिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, रियलिटी में ये दोनों ही हमारे करेक्ट है। दोनों ही हमारे करेक्ट होते कैसे हैं? ये हमारा थ्योरेटिकली करेक्ट होता है जबकि ये हमारा प्रैक्टिकली यूज होता है। नाउ दोनों में डिफरेंस क्या है? थ्योरेटिकली आप रिपीटेड एलिमेंट हो सकते हैं, इसलिए पेरेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट एंड लेस देन इक्वल टू राइट। लेकिन प्रैक्टिकली ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिकली बाइनरी सर्च ट्री पपाया ट्री की तरह रास्ते में तो नहीं उगता है कि आप जा रहे हो रास्ते में आपको बाइनरी ट्री खड़ा दिखाई दे रहा है। हेलो दिखाई देता है? बाइनरी ट्री हम ही बनाते हैं, हम ही बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं। तो ध्यान से देखो कि कोई भी नोड है अगर उसकी वैल्यू रिपीट हो रही है तो क्या हम उसको मल्टीपल टाइम इंसर्ट करेंगे? हेलो नो सर। तो कहने का मतलब है जब आप खुद बनाते हो बाइनरी सर्च ट्री तो आप केवल और केवल डिस्टिंक्ट नोड्स को उसमें इंसर्ट करोगे। डिस्टिंक्ट नोड को उसमें इंसर्ट करोगे कहने का मतलब इक्वल टू वाली कंडीशन रह ही नहीं जाएगी। हेलो यस सर। तो प्रैक्टिकली हमारा ये करेक्ट होता है, थ्योरेटिकली हमारा ये करेक्ट होता है। लेकिन गेट के बारे में आपको बता रहा हूँ, गेट क्या कोई भी स्टैंडर्ड कॉम्पिटिशन होगा ना वो आपसे ये नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज होकर गलत आंसर दे दो, मतलब कंफ्यूजन ऐसी हो जो मतलब उसके साइड से आ रही हो। वो ये चाहता है कि आपका आंसर करेक्ट आए अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, गलत आए अगर आपके आंसर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आपके कंसेप्ट क्लियर भी है लेकिन वो क्वेश्चन ही अपने आप में कंफ्यूजिंग है और आप आंसर गलत दे दे रहे हो। क्लियर है ना? जी सर। तो ये चीज वो कभी भी फ्यूचर में आपसे पूछ ही नहीं सकता। क्लियर? अरे क्योंकि अभी आप क्या पढ़ रहे हो? थ्योरेटिकली। जैसे ही आप फर्म में जाओगे सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओगे काम करने तब आप चीजें कैसे करोगे? प्रैक्टिकली। हाँ सर बट वी कैन स्टिल एक्सेप्ट सिमिलर डिजिट्स। हाँ तो माधवी क्या इशू है? हेलो। हाँ बोलिए सर। बट हम इंसर्ट तो कर ही सकते हैं ना उसमें, तो हम ऐसे कैसे ले सकते हैं कि प्रैक्टिकली हम करते नहीं है। देखो ध्यान से सुनिए ध्यान से, प्रैक्टिकली हम करते क्या है, बाइनरी सर्च ट्री हम खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हमें सर्चिंग के लिए एडवांटेज मिले। यस सर। तो मुझे ये बताओ जरा, रिपीटेड एलिमेंट को इंसर्ट करने की कोई जरूरत होगी? ध्यान से सुनिएगा माधवी, मुझे ये बताइए कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा होता, आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा होता, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, सपोज मैंने किसी दिन आपसे नाम पूछा होता, आपका नाम क्या है, आप बोलते माधवी, ठीक है। अब सपोज कोई आपके जैसे दिखने वाली लड़की अगर क्लास में मुझे दिखती तो मैं कभी भी उससे नाम पूछता दोबारा? नो सर। नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरे माइंड में आता कि माधवी ही है। सर भूल भी तो सकते हैं नाम वापस। गंदी बातें, मैं लॉजिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो देखो वो माइंड क्या कर रहे हो ये तो। यस सर। अरे सुनो ध्यान से, कहने का मतलब है मैं बानी सृष्टि अगर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, चलो आप पहले बताते जाओ जल्दी से मुझे, सेवन कहाँ पे आएगा? सेवन को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, सेवन कहाँ पे आएगा? लेफ्ट। अरे 25 के लेफ्ट में कि लेफ्ट में?
25 से मैंने आपसे पूछा 42 25 के राइट में सपोज मैंने आपसे पूछा 175 200 के लेफ्ट में 200 के लेफ्ट में सपोज मैंने आपसे पूछा 5 लेफ्ट मैंने आपसे पूछा 37 क्लियर है सबको एंड सो ऑन अब ध्यान से सुनिएगा अगर हम बाइनरी सर्च की खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली हम रिपीटेड एलिमेंट को दो बार इंसर्ट करेंगे कि एक बार इंसर्ट करेंगे एक बार करेंगे ना क्योंकि ध्यान दो जरा हमारा गोल क्या है कि जब हम उस एलिमेंट को सर्च करें तो वो एलिमेंट हमारा मिल जाए समझ में आ रहा है ना अरे कहने का मतलब सुनिए जैसे अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं तो 100 इधर पे अभी देखिए मन की आंखों से देखिए मुझे इसके नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ये कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो सुनिए ध्यान से ये भी हो सकता है कि लेफ्ट या राइट में एक और नोड हो जिसकी वैल्यू 100 हो हेलो अरे क्या कर रहे हो ये भी तो बाइनरी सर्च ही है 100 150 100 हेलो यस सर अब सुनिए ध्यान से मुझे अगर 100 को सर्च करना है ट्री में सर्चिंग कहां से स्टार्ट होगी रूट एलिमेंट से रूट से तो इज 100 इक्वल टू 100 यस मिल गया कोई ये तो नहीं कहना चाह रहा कि नहीं सर नीचे वाले 100 को अगर सर्च करना है तब नहीं सर पहले ही अबॉर्ट हो जाएगा वेरी गुड हां माधवी क्लियर है वो यस सर बोलो सर नहीं अगर अब देखिए आपने मुझसे वही चीज बोली थी कि आप सर अगर आप नाम भूल गए तो फिर मुझसे कोई बोले कि सर नहीं वो नीचे वाला 100 अगर अच्छा लगे तो नहीं सर भाई ठीक है ना यस सर चलिए और कोई डाउट किसी को नो सर तो कहने का मतलब ये समझ में आ गया ना किसी भी एलिमेंट को हम बाइनरी सर्च में सर्च कैसे करते हैं हेलो यस सर यस सर कोई भी डाउट नहीं है तो गेट क्वेश्चन दूं नो फिर से बता देना सुनिए जैसे बेस्ट केस का मतलब क्या होता है हम लकी हैं वर्स्ट केस का मतलब क्या होता है हम अनलकी हैं यस सर हेलो यस सर चलिए सुनिए जैसे एक चीज मैंने और आपको बताई थी कि जब तक मैं आपसे आंसर नहीं पूछूंगा आंसर बताओगे क्या नो सर पता है ना मेरे माइंड में क्या डिलेमा आता है यस सर क्लास खत्म हुई नारे लगाने शुरू तो अब सुनिए ध्यान से आंसर कोई भी बोलेगा नहीं जूम पे सब आंसर प्राइवेट करके देंगे ठीक है ना यस सर लिखिए क्वेश्चन लिखिए गेट क्वेश्चन था मैं आप गेट में एक ही पूछा गया था मैं आपसे तीन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लिखिए गिवन ए बीएसटी क्या होता है बाइनरी सर्च ट्री गिवन ए बीएसटी विद एन नोड्स गिवन ए बीएसटी विद एन नोड्स and an element ax which we have to search ye sab rub kar do hello yes sir and an element x which we have to search find the answer mat bolna find the time complexity to search that element find the time complexity to search that element find the time complexity to search that element likha hello yes sir now gate mein teenon mein se ek pucha gaya tha kaun sa pucha gaya tha bataunga abhi baad mein aapko teenon batane ki best case mein kitna time lagega worst case mein kitna time lagega average mein kitna time lagega jab aap answer likh rahe ho to agar aapko aise nahi likhna hai to aise kar lena 1 this 2 this 3 this to main samajh jaunga clear hai hello yes sir answer private karke bhejna 2 minute mein main check karunga sir ek bar repeat kar dijiye question Given a BST with n nodes and n, given a BST with n nodes and an element x, which we have to search. Find the best case, worst case, average case time complexity. ठीक है? Yes sir. 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मुझे सबके आंसर देखने हैं करिए जल्दी से. Thank you.
चलिए अब मैं चेक करूं कहां से आया आंसर। अभिषेक पाप, साक्षी पाप, अभिषेक पाप, रौनक पाप, अरे माधवी किस ऑर्डर में लिखे हैं ये? मन की आंखों से देखिए। माधवी ऐसे नहीं बोलना है कि भावनाओं को समझो, जल्दी से ऑर्डरिंग मेंशन करिए। वन इज फॉर बेस्ट केस, टू इज फॉर वर्स्ट केस, थ्री इज फॉर एवरेज केस। जल्दी से फिर से लिखिए, माइट बी आपका आंसर करेक्ट हो। यश पाप, अरिका मुझे तीनों आंसर चाहिए थे। भूपेंद्र वेरी वेरी गुड। जानवी पाप, तनीषा पाप, जानवी वेरी गुड, तुम तीनों के आंसर भेजो। सोनिया पाप, हर्ष फिर से देखो ऑर्डरिंग की गड़बड़ की है। सर फर्स्ट एंड सेकंड इंटरचेंज हो गए। फर्स्ट एंड सेकंड इंटरचेंज हो गए, हाँ फिर हर्ष वेरी वेरी गुड। नहीं तान्या पाप है वो, निशांत पाप। अरे देखो वैसे ही इतने सारे लोग और एक एक करके ऐसे करोगे तब तो मैंने मैसेज देख लिए। एक बार में लिखा करो मैसेज 1 2 3 सबके लिए। नहीं जानवी पाप, रित्का पाप, नवीन पाप, चलो अब करूं। ये तो मैसेज आने बंद ही नहीं होंगे ऐसे। हाँ जानवी, हाँ माधवी वेरी गुड। नहीं अरिका पाप, चलो अब नहीं कर रहा हूं बहुत मैसेज हो गए। चलिए देखिए ध्यान से, चलिए अब मैं करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अब मुझे बोल के बता दीजिएगा। बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारा ट्री होगा वो हमारा स्क्यूड होगा कि नहीं? स्क्यूड का मतलब क्या होता है, एक ही साइड ग्रो करेगा। देखिए ध्यान से, ये हमारा बी एस टी है कि नहीं? मैंने बोला ये BST हमारा 5 नोट्स का, लेट सपोज n नोट्स का होता, मुझे 50 को अगर सर्च करना है तो n कंपैरिजन 5 कंपैरिजन लगेगी कि नहीं इधर? तो ये क्या है हमारा स्क्यूड बाइनरी ट्री, और वी कैन से BST कह सकता हूं अनबैलेंस्ड बिहेवियर ऑफ बाइनरी ट्री। कहने का मतलब है वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n क्यों आता है, क्योंकि वर्स्ट केस में लेवल्स कितनी होंगी हमारी, n होंगी कि नहीं? क्लियर है? और कह सकता हूँ वर्स्ट केस सर्चिंग टाइम क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगा। क्लियर है दीदी? देखो किसी को डाउट है इसमें पूछो, बता दे रहा हूँ आपसे, यही था आपका गेट क्वेश्चन की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी गई थी। क्लियर? नाउ एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, ऑर्डर ऑफ log n, वेरी वेरी गुड। सुनिए ध्यान से, एवरेज केस ऑर्डर ऑफ log n क्यों होगा, क्योंकि एवरेज केस में ट्री क्या होगा हमारा, बैलेंस्ड होगा। बेस्ट केस में क्या होगा, एलिमेंट हमारा रूट पे ही होगा। एवरेज केस में क्या होगा, ट्री हमारा बैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड होगा मतलब दोनों साइड ग्रो करेगा, यानी कि नंबर ऑफ लेवल log में चली जाएंगी। अरे एक भी बार डिवाइड होता है तो log चला जाता है। यस सर। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। फिर से बोल रहा हूँ कि वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन क्यों है, क्योंकि वर्स्ट केस में BST हमारा अनबैलेंस बिहेवियर शो करेगा। क्योंकि अनबैलेंस बिहेवियर बाइनरी ट्री का क्या होता है कि वर्स्ट केस n लेवल्स होती है कि नहीं? यस सर। क्लियर? थोड़ा डीप में चलूं? यस सर। यस सर। थोड़ा सा डीप में चलता हूं, कर दूं ये रब? फिर आपसे पूछ ही लेता हूं, सुनिए ध्यान से। BST का वर्स्ट केस सर्चिंग टाइम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन होता है, क्योंकि वर्स्ट केस में अनबैलेंस बिहेवियर शो करता है वो बाइनरी ट्री का, कि मतलब वर्स्ट केस में एन लेवल्स होती हैं। क्लियर है? अब हमारा गोल क्या होता है कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम हो। यस सर। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी मिनिमाइज करने के लिए हम कहां पे जाते हैं? AVL ट्री में। वेरी वेरी गुड। AVL ट्री क्या होता है हमारा, कह सकता हूं बैलेंस्ड BST।
अगर एवीएल ट्री में मैंने सेम क्वेश्चन पूछा होता तो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन लॉग एन लॉग एन इसमें तो अरे बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ 1 यस सर कांस्टेंट होगी तो क्यों बोल लो बेस्ट केस में हेलो सुनील दल से बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवीएल ट्री में ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट कैसे मैं वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ लॉग एन लॉग एन एवरेज केस लॉग एन क्लियर है यस सर यस सर थोड़ा Yes, sir. Yes, sir. तो ABL3 क्या होता है हमारा बैलेंस BST होता है हमने देखा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने मिनिमाइज कर दी कि नहीं yes, sir. रीजन है ABL3 के लॉन्च होने का कि ABL3 बना yes, sir. बना होगा तो कोई रीजन होगा ना बनी सर्ची क्यों बना क्योंकि सर्चिंग कंडीशन को इम्प्लीमेंट करता है ABL3 क्यों बना क्योंकि सर्चिंग को इम्प्लीमेंट तो करता ही करता है साथ में वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज कर देता है ऑर्डर ऑफ लॉगिन में कर देता है ना अब मुझे ये बताइए एवीएल ट्री के बाद ये बी ट्री क्यों बना अभी आपका डीबीएमएस ही चल रहा है ना यस सर यस सर हां वेरी नाइस अब भर भर के आएगी बताइए जरा बी ट्री बना क्यों हेलो क्योंकि सिलेबस में था इसलिए बना ना हेलो जी सर मतलब सिलेबस में पढ़ाने के लिए बी ट्री बना दिया गया जल्दी बोलो बी ट्री क्यों बना सब पढ़ा नहीं अरे पढ़ाने बीटेक में आया कि नहीं आया बी ट्री नाम सुना है जी सर अरे तो मैं पूछ रहा हूँ वो बना ही क्यों इफिशिएंट वे टू रीड डेटा हाँ ये सिवाय सेफ तो नहीं खेल रहे हो पाप है शिवांश अरे सुनो ध्यान से डीबीएमएस में इंडेक्सिंग पढ़ी है हेलो हेलो हम बोलेंगे ही नहीं अरे इंडेक्सिंग पढ़ी है डीबीएमएस में नहीं बताऊं ना हटा दूं सर नहीं पढ़ी अरे बीटेक में इंडेक्सिंग नहीं पढ़ी है ये लोग कह रहे हैं सर अभी क्लास में इंडेक्सिंग नहीं आई है यही बोल रहे हो ना पहले तुम्हें सच सच बताओ जरा डीबीएमएस में इंडेक्सिंग आ गई क्या नो सर नो सर चलो नहीं आई बीटेक में तो आ गई है सर पढ़ी नहीं थी बीटेक में नहीं पड़ी सर उसमें भी हद है अरे डेटा ट्रांसफर ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है ये रीजन है बी ट्री होने का क्योंकि अगर एवीएल ट्री होगा तो कह सकता हूँ केवल एक नोड के लिए एक डेटा ब्लॉक होगा मतलब बाकी सारा का सारा स्पेस वेस्ट हो जाएगा अब पढ़ा ही नहीं है तो पूरा एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाएगा अरे याद आ रहा है जिसने भी पढ़ा है हेलो हेलो सर आवाज नहीं आ रही क्या आ रही है आवाज सर अरे तो बोलते हद हो गई बोलना क्यों बंद कर देते हो शर्म आ जाती है ना सर अरे शर्म आ जाती तो अभी तो कम आई है तो फिर मुझे ये बताओ ये क्लियर हो गया बी ट्री सर एक बार वापस रिपीट कर दीजिए सुनिए ध्यान से बीएसटी क्यों बना सर्चिंग कंडीशन को इंप्लीमेंट करता है लेकिन उसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होती है क्योंकि अनबैलेंस बिहेवियर शो करता है बाइनरी ट्री का तो इस रीजन की वजह से हम जाते हैं एवीएल ट्री पे जो कि हमारा बैलेंस बीएसटी होता है उधर पे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन हो जाती है लेकिन फिर हमारा बी ट्री पे हम क्यों जाते हैं एवीएल ट्री का ड्रॉबैक क्या है कि जब हम डीबीएमएस में देखते हैं इंडेक्सिंग डेटा ट्रांसफर हमारा ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है तो कहने का मतलब एक ब्लॉक में हमारी सेवरल नोड्स आ सकती हैं जबकि एवीएल ट्री में हम एक ही नोड को इंसर्ट करते हैं मतलब स्पेस वेस्ट होता है तो वो स्पेस वेस्ट ना हो इसलिए हम कहां पे जाते हैं बी ट्री पे जाते हैं क्लियर है यस सर यस सर तो फिर मुझे ये बताइए बी प्लस ट्री क्यों बना हेलो सर ये वाला तो जरूर इसीलिए बना है क्योंकि सिलेबस में है बोलो जल्दी लिंक लिस्ट एटलीस्ट नोट्स शिवांश इस टाइप से मुझे क्लियर नहीं होगा कि आपको क्लियर है कि नहीं है
बताएगा कोई? हेलो, नहीं पता सर। अरे सुनिए ध्यान से, क्योंकि सुनिए बी ट्री में इशू क्या होता है कि सिक्वेंशियल एसएस पॉसिबल नहीं है, जबकि बी प्लस ट्री में सिक्वेंशियल एज वेल एज रैंडम एसएस दोनों ही पॉसिबल होते हैं। हटा दो ये सब, जब डीबीएमएस पढ़ना तो इंडेक्सिंग अच्छे से पढ़ना, सब क्लियर हो जाएगा। हेलो सर, चलिए सुनिए ध्यान से। तो मैं ट्रीज बता रहा था, मैंने आपको बाइनरी ट्री बताया, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बताया जिसको हम बोलते हैं फुल बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री बताया, नाउ लेबल्ड बाइनरी ट्री एंड अनलेबल्ड बाइनरी ट्री। नाउ लेबल्ड अनलेबल्ड ये तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है, विद लेबल्स लेबल्ड, विदाउट लेबल्स अनलेबल्ड। कहने का मतलब है, देखिए ध्यान से, ये क्या है हमारा अनलेबल्ड बाइनरी ट्री है, ये हमारा लेबल बाइनरी ट्री है कि नहीं? यस क्लियर है, मतलब विद लेबल्स लेबल्ड, विदाउट लेबल्स अनलेबल्ड। क्लियर? यस सर। लिख लीजिए जल्दी से, बाइनरी ट्री दो टाइप की होती है, लेबल्ड एंड अनलेबल्ड। तो पता नहीं आप लोग क्या करके आते हो क्लास में, जो एनर्जी ही नहीं रहती है। बोलो सर थक गए, इतनी देर से क्लास हो रही है, कब से पढ़ा रहे हैं हम, थक नहीं जाएंगे? थक गए हो ना? नो सर। नो सर। नहीं होता है, कई लोग बोलते हैं सर हम कब से क्लास कर रहे हैं, 4 बजे से क्लास कर रहे हैं, हम 4 बजे से परमानेंट बोल रहे हैं, कितनी एनर्जी लग रही है आपको क्या पता। हेलो, हम बोलेंगे नहीं सर, बोलेंगे सर बोलेंगे। सुनो सुनो ये सब छोड़ो, आपको एक बहुत राज की बात बताता हूँ, टॉप सीक्रेट, ठीक है, किसी और को मत बताइएगा। सुनिए, आप लोग बोल सकते हो, भरोसा करो अपने आप पे, सच बोल रहा हूँ मैं, आप लोग बोल सकते हो। ये सब एनर्जी बचाने में लगे जाते हैं, एनर्जी सेवर मोड ऑन कर देते हैं, क्लास स्टार्ट हुई नहीं, कर दूं राब? और मुझे ये कॉलेज में क्लास हो रही होती तो फैकल्टी बोल बोल के मर जाता होगा कि प्लीज साइलेंस साइलेंस साइलेंस, तब भी नहीं, घर घर की बातें नहीं बंद होती होंगी, बस मौका मिल जाएगी, आटा कितने रुपए किलो, दाल कितने रुपए किलो, तुरंत डिस्कस कर लें। हेलो, यस सर, हम तो नहीं पर हमारा फोन थक गया है, देखो फोन भी थकता है उमेश, वेरी नाइस, ये नया था, ये नया था। चलो देखो ध्यान से, सुनिए नाउ लिखिए क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो लिखिए क्वेश्चन। नो सर। लिखिए, हाउ मेनी बीएसटीज आर पॉसिबल विद एन डिस्टिंक्ट नोड्स, हाउ मेनी बीएसटीज आर पॉसिबल विद एन डिस्टिंक्ट नोड्स। अच्छा ये तो अभी तक की क्लास में आंसू आंसू आए क्या? No sir. I am so sorry, कितना बुरा लग रहा होगा आपको। एक बार रिपीट करिएगा सर। How many BSTs are possible with n distinct nodes? How many BSTs are possible with n distinct nodes? N distinct node के लिए कितने हमारे binary search possible हो सकते हैं? अब मैंने पूछा आंसू आए, आपने बोले नहीं आए, तो आप लोगों को बुरा नहीं लग रहा है इतने दिन से क्लास कर रहे हो और आंसू नहीं आए? तो टेंशन ना लो, देखते हैं आज कैसे नहीं आते हैं। चलो, how many BSTs are possible with n distinct nodes? Now, सबसे पहले तो सुनिए ध्यान से, किसी को अगर इसका आंसर आता है तो जल्दी से पहले मुझे बता दो, सिर्फ ये बोलना आता है कि नहीं आता है, आंसर मत बताना कि एग्जैक्टली आंसर क्या है। हेलो, किसी को आता है इसका आंसर? वेरी नाइस, तो हाँ, वेरी गुड शिवांश, करेक्ट है। नाउ शिवांश वो करेक्ट है, लेकिन सुनिए ध्यान से, और किसी को तो नहीं पता है? अब ये उमेश देखो सर लिख के छोड़ दिया, अरे सर क्यों बोलते, सीधे रावण ही बोल दिया करो ना, सर 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 सर, अरे आगे बोलो उमेश, इसके सर के आगे क्या,
नहीं सर के आगे नहीं सर. देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से सुनिए. हाँ शिवान सुनी धन से, वही मैं चेक करना चाहता था कि सुनी धन से वो उस पे हम आएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा. रीजन बीइंग क्योंकि जो मैं पूछूंगा उधर पे वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, अगर आपको पता भी होगी तो. चलो कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ. वेरी वेरी गुड अभिषेक, आपको भी पता है, वेरी गुड. चलो देखो रीजन से, तो आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, अभी नहीं बता रहा हूँ कि वो क्या होता है, आपको एक चीज बता दे रहा हूँ जिसको नहीं पता है. सुनिए एक फॉर्मूला होता है, हाँ ध्यान से आप सही सुन रहे हो, एक फॉर्मूला होता है. आपको याद होगा मैंने आपसे बोला था कि एल्गोरिथम में पूरे के पूरे एल्गोरिथम में केवल दो चीजें हैं जो मैं आपसे बोलूंगा कि आपको याद करनी है. बोला था नहीं बोला था? हेलो हेलो वो भी बता दे रहा हूँ, वो भी आपको क्यों याद करनी है, क्योंकि उसकी रीजनिंग आप इधर पे नहीं पढ़ते हो. अगर आप मैथ से एमएससी करते हो तब आप पढ़ते हो उसकी रीजनिंग. रीजन बीइंग क्योंकि वो मैथ से आया है, उसका एल्गोरिथम से कोई लेना देना नहीं है. तो उनमें से पहली चीज यही है, नंबर ऑफ बीएसटीज विद एन डिस्टिंक्ट नोड्स कितने होंगे. उसका एक फॉर्मूला होता है, फाइनली एंड में उसको मैं लिखवा दूंगा, आप उसको लगाओगे तुरंत की तुरंत वैल्यू आ जाएगी, तुरंत की तुरंत आंसर आ जाएगा. उसी को हम बोलते हैं कैटेलन नंबर. अगर किसी ने याद, किसी ने सुना हो, सुना है कैटेलन नंबर? शिवांश अभिषेक चलिए सुनिए, वो मैं बाद में बता दूंगा. उसी को हम बोलते हैं वो कैटेलन नंबर होता है. तो अब ध्यान से सुनिएगा, वो हमारा मैथ से आया है, वो आपको याद करना होगा. लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, अगर कोई भी चीज आप याद कर रहे हो तो क्या वो गेट में आएगी? नो सर, नहीं आएगी. क्योंकि गेट कभी भी क्रेमर को मोटिवेट नहीं करता कि ऐसी ऐसी चीजें पूछे और क्रेमर तुरंत स्पीड में आंसर दे दे. तो वो जो पूछेगा वो हो सकता है नंबर ऑफ बीएसटीज विद एन डिस्टिंक्ट नोड की रेकरेंसिलेशन आपसे पूछ दे. समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा क्वेश्चन ट्विस्ट करेगी जहां पे वो फॉर्मूला आपका वर्क ही ना करे. यस क्लियर है? तो फाइनली जब ये कंप्लीट होगा तब तो मैं आपको वो बता ही दूंगा कैटेलन नंबर, वो फॉर्मूला क्या है. तब तक चल रहा है ना? चल रहा है. तो सुनो ध्यान से, यूज कर सकते हो, आंखें कान सब यूज कर सकते हो. अभिषेक और शिवांश आपको पता है, फिर भी मैं बोलूंगा कि उसको यूज करके, जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ उसको यूज करके बताना. क्योंकि मैं पहले सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, फाइनली मैं आपसे बोलूंगा कि रेफरेंस रिलेशन लिखिए. अगर आपने शुरुआत में उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिए तो रेफरेंस रिलेशन के समय आपको खून के आंसू आएंगे. क्लियर है? हेलो यस सर. तो मैंने आपसे क्या पूछा, हाउ मेनी बीएसटीज आर पॉसिबल विद एन डिस्टिंक्ट नोड्स. ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपसे बोलता हूँ कि जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा एन डिस्टिंक्ट नोड के लिए, मतलब एन वेरिएबल्स के, वेरिएबल के लिए पूछा कि नहीं पूछा. अब आपको पेपर के लिए गाइडलाइन दे रहा हूँ कि वो एल्गोरिथम में नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में. अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो कभी भी, जब भी कोई भी क्वेश्चन वेरिएबल के फॉर्म में पूछा जाए तो उसकी वैल्यू एज्यूम कर लो, वैल्यू एज्यूम करो, उधर से आंसर निकालो, फिर डेटा मैच करा लो. क्लियर है? ये आपको गाइडलाइन दी कि जब भी क्वेश्चन आपसे वेरिएबल से पूछा जाए तुरंत के तुरंत कोई भी रैंडम नंबर ले लो, उसके लिए आंसर निकाला करो और फिर फाइनली पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया करो. तो अब देखिए ध्यान से, फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ एन नोड्स कितनी है, एन नोड्स, ठीक है, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ बीएसटी. तो अब ध्यान से सुनिए, जीरो नोड के कितने बीएसटी? अरे ये BST है कि नहीं? नाउ वन नोड के, वन नोड के मैंने क्या बोला, एन डिस्टिंक्ट नोड्स है, वन नोड के कितने BST? वन नोड लेट सपोज 10 है, कितने BST? एक ही होगा, विच इज दिस 10 ओनली. क्लियर है? नाउ सपोज मैंने आपको बोला दो नोड होती है, दो नोड होती है, लेट सपोज 10, 20, तो कितने BST? दो मैं बना दे रहा हूँ, जो तीन बोल रहा है वो बना के दिखाना मुझे, तीन. क्लियर है? यस सर. नाउ सिमिलरली सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, अपनी नोटबुक में देखिए ध्यान से, टाइम भले ही लग जाए इसको करना, क्योंकि अगर नहीं कर पाओगे तो रेफरेंस रिलेशन नहीं कर पाओगे, वो 100% है. थ्री नोड के लिए, थ्री नोड के लिए मुझे बताइए नंबर ऑफ बीएसटीज कितने होंगे, फोर नोड्स के लिए बताइए, फाइव नोड्स के लिए बताइए. करिए
हुए नहीं अभिषेक पाप है वो नीलू वेरी वेरी गुड अभिषेक वेरी गुड शिवांश वेरी गुड साक्षी वेरी गुड नहीं तान्या पाप है वो तनीषा पाप है वो मैं करूं शिवांश वो फॉर्मूला लगा के तो नहीं बताया ना आंसर अरे शिवांश अभी मैंने बोला था कि उस फॉर्मूले से मत बताना सोचो ध्यान से उस फॉर्मूले से अगर आप आंसर बता रहे हो तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका मतलब मैं डफर हूँ कि वैल्यू पुट करके मैं चेक करूंगा क्या कि आप वैल्यू पुट करनी आती है कि नहीं हेलो तो ऑब्वियसली फॉर्मूले से नहीं करना है कोई रीजन है अब सुनो ध्यान से मैं पहले आपको ये दे रहा हूँ 3, 4, 5 क्लियर जैसे ही आप ये कर लोगे इसके बाद में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि उसकी रेकरेंस रिलेशन लिखिए और जैसे ही रेकरेंस रिलेशन की बात आएगी हाथ खड़े हो जाएंगे कि नहीं करो जल्दी से चलो एक दो करके दिखाऊं मैं हेलो यस सर अभिषेक वेरी गुड नहीं पुलकित पाप है वो चलो देखो जैसे ये आपने तो बना ही लिया है ये इसी फॉर्म में आप ऐसे लिखते चले जाना कितना आंसर आ रहा है हेलो क्लियर है यस सर चलो बता ही दूं क्या तीनों के आंसर तो बना के दिखाइए नहीं आंसर अरे आंसर बताने के बाद आंसर बता दीजिए 5, 14, 42 चलिए कैसे अब ये बता रहा हूँ ये लिख लिया ना चलिए देखिए ध्यान से मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ ऑब्वियसली बात है सुनिए ध्यान से मैं माइंड में अपने मन में कुछ बोलूंगा और एक सीक्वेंस में ट्री बनाता चला जाऊंगा और सारे के सारे आंसर करेक्ट आएंगे ठीक है मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं कोई याद करके नहीं आया हूँ लेकिन मैं अपने मन में एक चीज बोल रहा हूँ वो आपको फिगर आउट करना है कि मैं ऐसा क्या बोल रहा था कि हमेशा मेरे सारे के सारे ट्री करेक्ट आ रहे थे मुझे सबसे पहले तो बताइए 0, 1 और 2 नोट्स के लिए क्लियर है सबको यस सर यस सर यस सर चलिए 3 नोट के लिए देखो जरा ध्यान से मैं कैसे करूंगा आप देखिए ध्यान से क्लियर देखो ध्यान से यही 5 बनेंगे और कोई भी आपका नहीं बनेगा जल्दी से बना लीजिए कोशिश करो ये फिगर आउट करने की मैं मन में बोल क्या रहा हूं कैसे मैं सीक्वेंस में इतनी स्पीड में बना ले रहा हूं ये रब करूं यस सर चलिए अब n इक्वल टू 4 नोट्स के लिए मैं करता हूं आपके सामने देखिए मैंने क्या बोला था 14 आएंगे देखो ध्यान से मैं कैसे बना रहा हूं
देखिए 14 है कि नहीं? फिगर आउट कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं मन में? बोलो हेलो। चलो अभी बता ही रहा हूं मैं क्या बोल रहा था मन में, जल्दी से पहले इसको बना लीजिए। मेरे ख्याल में यही रीजन है कि अभिषेक और शिवांश आप ही के आंसर करेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आप फॉर्मूला लगा लगा के आंसर निकाल दे रहे होंगे। क्यों अभिषेक? यस सर। शर्म नहीं आ रही? मैं बोल रहा हूँ उसको नहीं यूज करना है। अरे देखो ध्यान से, फॉर्मूला यूज करोगे ऑब्वियसली बात है वो कभी गेट में नहीं आए, लेकिन अगर उसका यूज करके निकालोगे तो आप कभी रेकरेंस रिलेशन ही नहीं बना पाओगे। हेलो। यस सर। हो गया कर दूं अब? नो सर। बना लो जल्दी बना लो। हो गया सर, थोड़ा सा बचा है। हो गया सबका? यस सर। नहीं नहीं हर्ष पाप है वो। चलो देखो ध्यान से। हाँ कर लोगे? हेलो। अरे कर लोगे ना ये क्वेश्चन? अरे n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4 के लिए? यस सर। ऐसे ही करोगे कि नहीं? yes, sir. पाप है ये, आपको विजुलाइज हो इसलिए चीजें बनाई है। ऐसे बना बना के करेंगे क्या? पूरा पेज वेस्ट कर दिया नोटबुक का। तो आप सुनिए ऐसे करेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग से बताऊं कि सीधे n इक्वल टू 5 के लिए बताऊं? सर स्टार्टिंग। तो देखिए ध्यान से, n इक्वल टू 0 के लिए तो टर्मिनेशन कंडीशन है एक ही होगा। n इक्वल टू 1 के लिए ये भी टर्मिनेशन कंडीशन है एक ही होगा। yes, sir. अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ BSTs कितने होंगे n डिस्टिंक्ट नोड्स के लिए। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ध्यान से देखिएगा, लेट सपोज मैंने बोला n की वैल्यू 2 है, ठीक है, मतलब दो नोड्स है हमारी 10 20। तो ध्यान से देखना, जो भी मैं ट्री बना रहा था मैं मन में पता है क्या बोल रहा था? अब ट्री की रूट कितनी होंगी? दो रूट। क्या? वन। ट्री की रूट कितनी? ये दो किसने बोला? हेलो। अरे रूट एक ही होती है। अरे शर्म नहीं आ रही? मैं बाइनरी ट्री की रूट पूछ रहा हूँ, रजनीकांत के ट्री की रूट नहीं पूछ रहा हूँ कि दो दो रूट है। सुनो ध्यान से, रूट कितनी होगी? एक होगी। कौन होगी? कोई भी होगी। तो अब मैं बोल क्या रहा था उधर पे, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए n means what? Multiplication. Or means? Addition. ये कोई फॉर्मूले है? No, sir. ये आप सबको मैं पहले बता चुका हूँ कि नहीं? Yes, sir. जैसे कि जितना मैंने आइडेंटिफाई किया है आप में से मैक्सिमम लोग मुझे सिंसियर लगे हैं, तो गेट क्रैक करने के लिए अब आपको एक चीज बताता हूँ। सुनिए 5 मिनट उसमें लगेंगे, इस क्वेश्चन पे हम बाद में आते हैं, 5 मिनट उसमें लगेंगे। वो क्या चीज है सुनिए ध्यान से। जैसे कि ये तो मैं आपसे बोलता ही हूँ, जो पढ़ो से हर जगह इम्प्लीमेंट करो। हेलो। यस सर। अपनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना, सुपर स्ट्रॉन्ग कर लेना। रीजन बीइंग, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके डिस्क्रीट मैथ में टॉपिक है कॉम्बिनेटोरिक्स, उसका 80% कवरेज केवल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करती है। हेलो। दूसरी चीज, दूसरी चीज सुनिए ध्यान से, वो सब फ्रॉड है। सुनिए, पीएनसी का 100% है, गेट में क्वेश्चन आपका आना ही आना है, जबकि ये भी हो सकता है कि डिस्क्रीट मैथ में उसका क्वेश्चन ना आए।
डिस्क्रीट मैथ में एक चैप्टर है कॉम्बिनेटोरिक्स, उसका 80% सिलेबस है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। नाउ मैंने आपसे क्या बोला, गेट में 100% है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये भी हो सकता है कि वो डिस्क्रीट मैथ में आई ना तब भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पीएनसी इज नथिंग बट काउंटिंग, काउंटिंग करने की टेक्निक का नाम होता है पीएनसी। क्लियर है? Yes, sir. अरे आपको जैसे मैंने बताया था डिनर पार्टी में मैं गया 10 डिशेज हैं, ये तो बता चुका हूं ना शायद। No, sir. ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने पीएनसी के बारे में, पीएनसी का आपको कितना इंट्रोडक्शन दिया है पीएनसी का? शर्ट और पैंट कलेक्ट, केवल शर्ट ट्राउजर और कुछ नहीं दिया है? No, sir. चलिए सुनिए हमसे, पीएनसी की बात करूं मैंने क्यों बोला कि हो सकता है डिस्क्रीट मैथ में आपकी ये आए, हो सकता है ना आए, लेकिन 100% पीएनसी का क्वेश्चन तब भी आना है। क्यों? पीएनसी क्या है? बेसिकली नथिंग बट काउंटिंग, काउंटिंग करने की टेक्निक का नाम होता है पीएनसी। अब कहने का मतलब है वो तो जब भी आपको क्वेश्चन में हिंटी मिल जाती है, जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ दिस नंबर ऑफ दिस, मतलब आपसे पूछा है कितनी कितने तरीके से, वो क्वेश्चन आपका बेसिकली पीएनसी का क्वेश्चन है। आपका एल्गोरिथम में भी आएगा, टीओसी में भी आएगा, डीबीएमएस में भी आएगा, ओएस में भी आएगा, बस समझ नहीं आएगा। हेलो? यस सर। दूसरी चीज आपको एक चीज और बता देता हूं कि वैसे तो आप सबकी सीएस ब्रांच है, सीएस या आईटी ब्रांच है, आपकी कोई भी ब्रांच हो, हर ब्रांच में गेट में सिलेबस में मैथ्स है, इंजीनियरिंग मैथ्स की बात कर रहा हूँ, और इंजीनियरिंग मैथ्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन सा है? हेलो हेलो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो कहने का मतलब है, एक सेकंड रखिएगा, एक सेकंड, हेलो, हाँ सुनील सर, मैंने आपसे क्या बोला था कि मैथ्स में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन सा है हमारा? प्रोबेबिलिटी। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो अगर मैं मैथ सेक्शन की बात करूं, मैथ आपकी ओवरऑल 15 मार्क्स की आती है इंक्लूडिंग डिस्क्रीट मैथ्स एंड इंजीनियरिंग मैथ्स। आपके सिलेबस में दो दो मैथ है, इंजीनियरिंग मैथ डिस्क्रीट मैथ। इंजीनियरिंग मैथ का तो सिलेबस ही बहुत छोटा है, केवल तीन ही चैप्टर है, मैट्रिक्स और उससे सिंपल कुछ हो सकता है, हेलो कैलकुलस एंड योर फेवरेट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। हेलो यस सर, नहीं मैट्रिक्स से सिंपल कुछ हो नहीं सकता, और कैलकुलस सुन के डर मत जाना। अगर आपने कैलकुलस 12th में थोड़ी बहुत कैलकुलस 12th में पढ़ी और आपको थोड़ी बहुत भी याद है तो कैलकुलस आप पढ़ो ना पढ़ो आप वैसे ही क्वेश्चन क्रैक कर दोगे, क्योंकि कैलकुलस का क्वेश्चन एकदम हलवा आता है। क्लियर है? जब आप गेट पीवीएसआर देखोगे तो आपको आइडिया खुद ही लग जाएगा। नाउ कहने का मतलब है मैट्रिक्स की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो क्या चलता है हमारा? नॉर्मली 2 मार्क्स का आता है, कभी कभी 1 to 2। कैलकुलस के अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 0 to 2 के बीच में वेरी करता है, कभी कभी 0 कभी कभी 1 कभी कभी 2। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी के वेटेज की बात करूं तो मैं सेक्शन में मिनिमम प्रोबेबिलिटी का वेटेज होता है 4 और जाता कहां तक है 4 to 5। क्लियर है? यस सर। जबकि प्रोबेबिलिटी का ये रियल वेटेज नहीं है, प्रोबेबिलिटी का जो रियल वेटेज है वो चलता है आपका 4 to 7। क्यों? प्रोबेबिलिटी आपकी एप्टीट्यूड में भी आती है, और अगर एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एप्टीट्यूड को स्टार्ट हुए ही 10 साल हुए हैं, जबकि मोर देन 20 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के आ चुके हैं, इंक्लूडिंग ऑल द 5 ब्रांचेस। क्लियर है? और पीएनसी प्रोबेबिलिटी है क्या? बहने हैं, एक आएगी दूसरी ऑटोमेटिकली आएगी, एक नहीं आएगी दूसरी कभी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे बोलता है कि प्रोबेबिलिटी आती है, दैट मींस उसको पीएनसी आती है। बिल्कुल। अरे क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती क्या है? चांस, पॉसिबिलिटी, संभावना। इट इज अ रेशियो ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल। कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी का न्यूमरेटर एज वेल एज डेनोमिनेटर दोनों पीएनसी से आता है। अगर आपको पीएनसी आती है, डिवाइड करना आता है, दैट मींस आपको प्रोबेबिलिटी आती है। यस सर। तो अपना और सुनील जी से आपको ये पता है ना गेट में 1 मार्क का, 1 मार्क का की इंपॉर्टेंस क्या होती है? हेलो? यस सर। सुनिए ध्यान से, मैं अपने ही दो स्टूडेंट की बात करता हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर दो स्टूडेंट थे मेरे, मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था उनके बारे में, ऋषभ मल्होत्रा एंड ऋषभ मामगेन, दोनों ही ऋषभ भी थे, ऋषभ मामगेन। एक की रैंक आई थी, इसकी रैंक आई थी 201, इसकी रैंक आई थी 241। इसके मार्क्स थे 62.3 थी, इसके मार्क्स थे 63.3 थी, दोनों में केवल 1 मार्क का डिफरेंस था। इम्पैक्ट क्या आया इसको? IIT खड़गपुर मिला, इसी साल दोनों पास आउट हुए हैं, इसको IIT रुड़की मिला। लेकिन ऑब्वियसली बात है इसने IIT रुड़की का टॉप पैकेज उठाया, 37 लाख पर एनम। राइट नाउ ही इज इन कोहेसिटी बेंगलोर, ये माइक्रोसॉफ्ट में है, 25 लाख पर एनम।
चलो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में एक चीज आपको बता रहा हूँ, इसको 25 लाख पर एनम का पैकेज तो मिला ही मिला, 5 लाख का ज्वाइनिंग बोनस मिला। ज्वाइनिंग बोनस पता है ना क्या होता है? यस सर। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो 5 लाख का चेक मिल गया, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर है? यस सर। चलिए अब ये सब नहीं बताऊंगा, ये सब तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, गेट की इम्पोर्टेंस ना सुनी ना से। अब आपको बता क्या रहा था मैं कि देखो वन मार्क में डिफरेंस कितना आया, 40 रैंक का आया कि नहीं आया। वन मार्क में बैक टू बैक आपके कॉलेज ही चेंज हो जाते हैं, और प्रोबेबिलिटी का वेटेज ही मैंने बता दिया नियर अबाउट 47 मार्क्स, और वो बिना पीएनसी के आ नहीं सकती। और आपके तो सीएस में पीएनसी प्रोबेबिलिटी का कंबाइंड वेटेज मोर देन 10 मार्क्स भी जा सकता है, क्योंकि टीओसी एल्गोरिथम ओएस डीबीएस किसी भी सब्जेक्ट में इनका मर्ज होकर क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? यस सर। तो अपनी पीएनसी पे कमांड पा लेना। और सुनो जैसे मुझे तो लगता है कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी आपके फेवरेट टॉपिक होंगे, क्यों 9 से 12 तक पढ़े थे। हेलो यस सर। सर कोई पढ़ाता नहीं है लेकिन उनको डीप क्वेश्चन, मैं 5 क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे 5 क्वेश्चन के आंसर देना। सुनिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1, देखिए जैसे अगर आपने पीएनसी पढ़ी है दैट मींस आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है दैट मींस आपने पीएनसी पढ़ी है, ये क्लियर है ना? यस। क्वेश्चन नंबर 1 9th में पढ़ी थी, यस और नो? यस सर। नाउ 10th में पढ़ी थी, यस सर। 11th में पढ़ी थी, यस सर। 12th में पढ़ी थी, यस सर। अब एक ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता हूँ, ये 5th क्वेश्चन नहीं, एक ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता हूँ, बीटेक में पढ़ी थी? यस सर। बीटेक में तो कई लोग मुझसे बोलते थे कि सर क्या बात करो, बीटेक में हम पढ़ाई करने के लिए थोड़ी ना एडमिशन लेते हैं। यस सर, पढ़ी थी सर एक दिन। चलो बीटेक में पढ़ी थी तब तो वेरी वेरी नाइस। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, या फिर इन पीएनसी ओनली, हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हेलो, अरे बोलो, अरे कंफर्टेबल पूछ रहा हूँ। कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं होता है, सुनिए जैसे कोई भी टॉपिक है इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, वो तो आप नहीं मैं नहीं कोई भी नहीं क्रैक कर सकता। हेलो, यस सर। अरे कंफर्टेबल का मतलब क्या है कि आपके बेसिक क्लियर है, तो आप में से कितने लोग कंफर्टेबल हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में? नहीं बताएंगे सर, हम बताएंगे ही नहीं। अरे मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आप बता दो कितने लोग कंफर्टेबल हैं। Manchu, very nice. Janvi, very nice. बस चलिए अराउंड 40 एक और है कोई, रिवाइज नहीं है, बेसिक्स कर लेंगे शिवांशु, वेरी गुड। अरे काफी सारे लोग कंफर्टेबल हैं, वाओ। हिमांशु, जानवी, पुलकित, भूपेंद्र, सृष्टि, उमेश, अनुराग, तनीषा, साक्षी, पुनीत, नीरज, रौनक, ज्योति, अभिषेक। नाउ सुनिए जैसे, तो आप लोगों ने बताया आप लोग कंफर्टेबल हो, मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपसे एक डाउट पूछ रहा हूँ अपना, कि सुनिए जैसे मैं भी भूल गया हूँ, पीएनसी प्रोबेबिलिटी 9 से 12 तक पढ़ी थी, इतना टाइम हो गया मुझे पढ़े हुए, तो मुझे ये बताइए जरा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है इस टॉपिक में कई सारे फॉर्मूले हैं कि नहीं? नो सर। नो सर। एटलीस्ट एक फॉर्मूला है कि नहीं? सर। नो सर। से ये जो नो बोल रहा हूँ ना, मैं इधर पे फॉर्मूला लिखूंगा और पूछूंगा कहाँ से आया, अगर नो बोले जा रहे हो कि फॉर्मूला नहीं है, इसका मतलब क्या है? मैं फॉर्मूला लिखूंगा आप तुरंत ब्रेक कर दोगे। यस सर। तो सुनो ध्यान से और सुनिए ध्यान से, मैं नहीं, सपोज कोई पर्सन बाहर आपसे पूछ रहा होता, सबको पता है ना कि मैं क्या बोलूंगा, इसलिए सबके सब सेफ खेल रहे हैं, ऐसा ही है कि नहीं शिवांश? हेलो। तो सुनिए जैसे इस टॉपिक में कई सारे फॉर्मूले हैं कि नहीं? नो सर। नहीं, चलो अब रुक जाओ, ऐसे मानोगे ही नहीं आप, नहीं मानोगे अभी, अभी रुको। सुनो ध्यान से, जो नो सर बोल रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इनटू a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? जानवी। क्या सर फालतू सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, a प्लस बी इनटू a प्लस बी कर दो। हाँ जानवी, a प्लस बी पावर 10 क्या होता है? बोलो सर, 10 बार मल्टीप्लाई कर दो, कोई काम धाम थोड़ी ना है।
हेलो यस क्या क्या बोल रहे हो कोई काम धाम नहीं है 10 बार मल्टीप्लाई कर दो हेलो हाँ तो a प्लस बी पावर 10 कैसे निकालेंगे हाँ वेरी गुड साक्षी वेरी वेरी गुड बाइनोमियल एक्सपेंशन है कि नहीं साक्षी ना तो सुनिए ध्यान से ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है कोई डाउट किसी को नो सर साक्षी मुझे एक डाउट आया साक्षी मुझे एक डाउट आया मुझे ये बताइए जरा बाइनोमियल एक्सपेंशन साक्षी वो फॉर्मूला है कि नहीं है सर वो फॉर्मूला नहीं है साक्षी क्या बोला आपने नो बोला कि यस बोला मतलब पॉसिबिलिटी ने कि हम लोग कितनी पावर सिलेक्ट करेंगे ए और बी की हां तो सर फार्मूला वो तो कॉमन सेंस मतलब वो एक जनरल चीज है ना कि वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड अब देखो ध्यान से दो ही चीजें हो सकती हैं या तो आप सच बोल रहे हो या फिर आप मेरे साथ सेफ खेल रहे हो मतलब मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो अरे वो नहीं बीटेक के इंटरव्यू में जो करते हो हेलो अब मैं फिगर आउट कैसे करूंगा कि आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो कि आपको सच में पता है तो जल्दी से बताइए जरा इसकी एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे हेलो अरे जैसे कि इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स है 3 इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे 11 याद आ रहा है साक्षी तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स है 4 है तो मैंने आपसे पूछा इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे हाँ आ गए शिवांश आप तो लपेटे में आ ही गए हाँ साक्षी बताइए अगर a प्लस बी को एक टर्म कंसिडर कर लें और c प्लस डी को एक तो फिर 101 ही होंगे ना पाप सुनो ध्यान से शिवांश और साक्षी आप दोनों ही आंसर 101 दिया वैसे रियलिटी में बताऊं तो ये आपने आंसर नहीं दिया मैंने आप लोगों के साथ किया है भावनाओं के साथ खिलवाड़ कैसे किया है सुनिए ध्यान से सच से बताना शिवांश और साक्षी आपने आंसर ऐसे ही दिया कि नहीं कि 2 के लिए 3 3 के नहीं सर मतलब ऐसा सोचा कि a प्लस बी को एक टर्म मान लिया और c प्लस डी को एक तो जैसे x मान लिया a प्लस बी को और c प्लस डी को y अटेंशन ना लो शर्म के लिए तैयार हो जाइए a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac सिक्स टर्म्स है कि नहीं हां साक्षी ये क्या हो गया अब नहीं बोलूंगी सर मैं बोलूंगी ही नहीं मैं हेलो हाँ सर नहीं आता मुझे पीएनसी मतलब ठीक है सुनो ध्यान से देखो मैं वही बोल रहा था कि होता क्या है कि जब आपने मुझसे एक चीज बोली ना इधर पे बाइनोमियल एक्सपेंशन वो कॉमन सेंस से आया तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपको रियलिटी में वो पता है कि ये आपको लग रहा है कि आपको पता है देखो सबसे बड़ा इश्यू क्या होता है पहले तो मैं मजाक के लिए बोल दे रहा हूँ कि आप मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो रियलिटी में ये मीन नहीं करता हूँ मैं रियलिटी में ये मीन करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट को ये लगता है कि उन्हें चीजें आती हैं जबकि रियलिटी बहुत दूर होती है हेलो सर हाँ हाँ वेरी गुड प्लस बी की पावर 10 है तो हम उसमें प्लस लगाए तो ए और बी के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं मतलब बी नहीं लोगे तो ए की पावर 10 और ए नहीं लिया एकदम सही हाँ और प्लस फिर अगर एक ही ए के अगर 9 बार ए ले लिया तो बी ले लिया मतलब सही एकदम सही ये यही है कि ए को 0 रखा बी को 10 रखा ए को 1 रखा बी को 9 रखा एंड सो ऑन ए को 10 रखा बी को 0 रखा 0 से 10 कितने टर्म 11 इसलिए 11 टर्म्स ये बोल रहे हो ना नहीं सर एक्सपेंशन बोल रही थी कि इसको ऐसे करते हैं और टर्म और हां डियर ये ऐसे ही तो एक्सपेंड होगा a पावर 0 b पावर 10 प्लस a पावर 1 b पावर 9 इसीलिए 11 टर्म्स तो 0 से 10 वही तो मैं पूछा आपसे इधर पे कितनी अब यहां पे सिंपल था आपने तुरंत केस बना के बता दिए अब यहां पे कितनी फिर भी बोल रहे हो कि फॉर्मूला ही नहीं है उसमें हेलो तो ए बी को भी अलग एक वो कंसीडर कर लिया ना एक एज अ स्ट्रिंग सर टीओसी से कंपेयर कर रही थी मैं कि ए भी अलग है टीओसी तो भूल गई मत बोलना देखो ध्यान से अगर मुझे बेवकूफ बनाना है ना तो सीओ बोल देना सीओ मुझे बिल्कुल नहीं आता है टीओसी तो भूल गई मत बोल देना वो तो मेरा फेवरेट फेवरेट सब्जेक्ट है हेलो हां सर अरे सुनो ध्यान से पहले तो ये जितने लोग मुझसे बोल रहे ना फॉर्मूले नहीं अभी रुक जाओ उनको मैं शर्म ही दिला देता हूं अच्छे से सबके सब झूठ बोले जा रहे हैं मुझसे फॉर्मूले नहीं है हाँ बताओ जरा ये इस टाइप का पीएनसी में देखा है कि नहीं आपने n माइनस 1 प्लस आरसीआर कॉम्बिनेशन विद लिमिटेड विद अनलिमिटेड रिपीटेशन
हेलो यस सर जितने लोग बोल रहे थे फॉर्मूले नहीं है ये बताओ जरा ये कहां से आया फिर अगर आप इसको फॉर्मूला नहीं बोल रहे तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता होगा ये कहां से आया कि मतलब मैंने n माइनस 1 प्लस आर सी आर लिख के बेवकूफ आपको बनाया है तो ये आया कहां से अब देखो कोई नहीं बोलेगा कोई बोलेगा ही नहीं मुझे पता है हेलो हेलो नहीं आ रहा सर तो सुनो ध्यान से अब आपको एक चीज बता दे रहा हूँ पीएनसी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये आपसे क्वेश्चन पूछते ही समय मुझे पहले ही से पता था मुझे पूछने की कोई जरूरत ही नहीं थी मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि वो कंफर्टेबल है पीएनसी में जबकि कंफर्टेबल आप में से 99% नहीं मैं 100% श्योर हूँ कि आप में से पीएनसी में कोई भी कंफर्टेबल नहीं है ये समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा बहुत सिंसियरली पढ़िएगा क्योंकि अगर आपकी पीएनसी पे कमांड नहीं हुई तो इस भूल में मत रहिएगा कि आपकी रैंक आ सकती है क्योंकि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे हर सब्जेक्ट में पीएनसी भर भर के आएगा लेकिन ये हो सकता है कि आपको रिस्पेक्टिव उस सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव फैकल्टी पीएनसी ना बताए फॉर एग्जाम्पल की देखो मैं एल्गोरिथम पढ़ा रहा हूँ आपको लेकिन पीएनसी मेरे कंफर्ट जोन का पार्ट है तो मैं पीएनसी आपको बताऊंगा लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मुझे पीएनसी नहीं आती होती तो मैं विदाउट पीएनसी एल्गोरिथम से आपको आंसर बता देता लेकिन अगर पीएनसी का आप यूज करोगे तो आप स्पीड में आंसर निकाल दोगे कहने का मतलब सुनिए ध्यान से उस फैकल्टी की कोई गलती नहीं होगी अगर वो आपको पीएनसी से नहीं बता रहा है ये तो आपका काम है ना कि जो पढ़ो हर जगह इंप्लीमेंट करो हेलो फॉर एग्जाम्पल जिस दिन हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे जाएंगे तो उधर पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी नंबर ऑफ फंक्शन कॉल इनटू फंक्शन कॉल कॉस्ट अब नंबर ऑफ फंक्शन कॉल मतलब मुझे काउंट करनी है कितनी फंक्शन कॉल हेलो तो उधर पे मैं हर एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको विद एल्गोरिथम तो बताऊंगा ही बताऊंगा फाइनली उसको सब कुछ रब कर दूंगा पाप बोल दूंगा और बोलूंगा कि इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं ओरली भी निकाल सकता था बाय यूजिंग पीएनसी हेलो हेलो सब के साथ असली खिलवाड़ की कोई भी एल्गोरिथम आएगी जब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ओरली बोल बोल के खत्म कर दूंगा क्लियर है यस सर चलिए तो सुनिए ध्यान से पीएनसी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा ठीक है और एक अब इनफॉर्मल स्टेटमेंट बोल देता हूँ कि पीएनसी क्या है पीएनसी क्या है पहले तो मैं परमानेंट आपसे बोलता हूँ जो पढ़ो उसे हर जगह इम्प्लीमेंट करो ठीक है ना पीएनसी क्या है आपने वो एड देखी है यू एंड आई In this beautiful world. अरे सुना है? No sir. अरे वोडाफोन की एड नहीं देखी किसी ने इतनी प्यारी एड थी? अरे wherever you go, he will follows you. किसी ने भी नहीं देखी? No sir. अरे सर हम चलो नीलू आपने देखी अरे वो सुनी था से वोडाफोन की एक एड है बोलता है गाना सगाता है यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड उधर पे एक पग होता है क्या बोला जाता है वेरेवर यू गो ही विल फॉलोज यू अब आपको बता दे रहा हूँ तो वही बता रहा हूँ अब नहीं सब पूरा गाना गा के सुनाओ ना सर तब समझ में आएगा मैं शर्म नहीं आ रही सुनो ध्यान से वो पग है कि नहीं yes, वो रियलिटी है पग नहीं है वो पीएनसी है वेरेवर यू गो ही विल फॉलोज यू दूसरा वो पग नहीं है वो जर्मन शेफर्ड है मुझे एक चीज बताइए जरा जर्मन शेफर्ड तो पता है ना सबको yes, मुझे एक चीज बताइए जरा अगर जर्मन शेफर्ड आपका तो उससे अच्छा कोई दोस्त नो सर अगर किसी और का तो उससे अच्छा कोई दुश्मन नो सर मैं आपसे बता रहा हूँ पीएनसी के साथ दोस्ती कर लो आपको अंदाजा नहीं है कितनी जगह आपकी हेल्प करेगी और दुश्मनी कर लो जो आपकी ऑलरेडी हो रखी है तो जैसे आपकी लाइफ हेल्प बनाती आ रही है ना फ्यूचर में भी बनाती ही रहेगी क्लियर है मतलब कुछ पोर्शन बचा है और कुछ पोर्शन हो गया है क्लियर है yes, sir. देखो एप्टीट्यूड तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता है तो बस आपसे एक चीज पूछूंगा एप्टीट्यूड में कई सारे फॉर्मूले हैं कि नहीं yes, sir. पाप गंदी गंदी बातें क्लास में नहीं बोलनी है शर्म नहीं आ रही अरे एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है सिर्फ वो बेवकूफ बनाने के तरीके हैं मैंने बोला एप्टीट्यूड मुझे नहीं आता हाँ सर को नहीं आता बोल दो बेवकूफ बना दो सर को हेलो अरे सर अगर एग्जाम में मैंने फॉर्मूले खोलने बैठे तो हो गया सर मेरा एप्टीट्यूड
बेटा अगर फॉर्मूले समझ लिए ना तो इस भूल में मत रहना, आपसे कोई भी क्वेश्चन क्रैक होगा, एक सिंगल क्वेश्चन क्रैक नहीं होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। यही है रियलिटी जो आप फ्रॉड चीज में अभी अभी भी उलझे हुए हो। आपने क्या स्टेटमेंट दिया कि सर एग्जाम में अगर हम फॉर्मूले खोलने बैठे तो हो गया एग्जाम, यही बोला ना? यस सर। आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, एक कॉमन सेंस लगाओ जरा, ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी तब भी बता रहा हूँ, सुनिए ना, एक कॉमन सेंस लगाओ। अगर फॉर्मूले के दम पे कंपटीशन में क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा तो वो आपका होगा कि हर किसी का होगा? ऐसा क्वेश्चन कभी भी कंपटीशन में आएगा कि आपने फॉर्मूला क्रैम किया या फॉर्मूला पुट करते हो आंसर आ जाए? चांसेस नहीं, इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल का मतलब आई एम पॉसिबल नहीं होता है, इम्पॉसिबल मीन्स इम्पॉसिबल। सुनो ध्यान से, जब तक फॉर्मूला समझते रहोगे यही फ्रॉड होता है। मैं आपको फॉर्मूला दूंगा और इसके बाद में आपको क्वेश्चंस दूंगा, तो ऑब्वियस ही बात है अगर मैं मुझे आपके साथ फ्रॉड करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको फॉर्मूला दूंगा और ऐसे क्वेश्चन दूंगा जहां पे आप उस फॉर्मूले को लगाओगे और करेक्ट आंसर आएगा, आपका आंसर करेक्ट आएगा, आप खुश हो जाओगे और सोचो ये हमें टॉपिक आ गया। जैसे ही आप रियलिटी से के सामने आओगे ना तो एक जब जब फॉर्मूला लगाओगे हमेशा आंसर गलत आएगा, हमेशा ही आंसर गलत आएगा। अब आपने ऐसा स्टेटमेंट बोला है तो मेरा मन कर रहा है प्रूफ करने का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं प्रूफ करने के लिए, ठीक है? अगर फॉर्मूला समझ रहे होगे तो 100% गलत आंसर दोगे। सर्कुलर परमुटेशन का नाम सुना है कि नहीं? यस सर। कहने का मतलब है, सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा स्पीड में एक चीज बताता हूँ आपको। n% लीनियर में कितने तरीके से अरेंज होते हैं? n फैक्टोरियल वे से। नाउ सर्किल में n% कितने तरीके से अरेंज होते हैं? N-1 factorial. Clear? ये formula है कि नहीं? No sir. No sir. No sir. चलो सुनो ध्यान से, Zoom पे private करके जो मैं question दे रहा हूँ उसका answer देना मुझे, ठीक है ना? Hello. Yes sir. Yes. By default everything is distinct. By default everything is distinct. अब जो मैं question दे रहा हूँ उसका मुझे Zoom पे answer देना, private करके देना। ना सुनिए जैसे, आप सबने बोला n-1 factorial, आप सबने बोला कि ये formula नहीं है। Now मैंने एक circular table बनाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chairs हैं, 4% कितने तरीके से बैठेंगे? 4% कितने तरीके से बैठेंगे? Zoom पे मुझे answer लिख के भेजिए, private करके। पहले तो मुझे ये बताओ, ये question सुन के tough लग रहा है क्या? Hello? अरे पहले बस ये बता दो, ये क्वेश्चन सुन के टफ लग रहा है क्या? नो सर। अरे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन ना कर पाओ तो कोई ऐसा टफ क्वेश्चन दे दूं कि फिर आपको जबरदस्ती फ्रस्ट्रेट करूं मैं बैठा के। हाँ जल्दी से जूम पे आंसर लिखिए। और जो भी आंसर लिखना एक ही बार आंसर लिखना, मल्टीपल टाइम्स आंसर मत लिखना कि मतलब अभी ये लग रहा है, 5 मिनट बाद ये लग रहा है, 5 मिनट बाद ये लग रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है? रुचि बहुत बड़ा पाप, क्या कर रहे हो ये? 8 चेयर पे 4% कितने तरीके से बैठेंगे, 0 कैसे बोल सकते हो? मतलब आप कह रहे हो कि 8, अरे 8 चेयर पे 4% का मतलब क्या? ऑब्वियस ही बात है 4 चेयर वैकेंट रहेंगी। हेलो सॉरी सर। रावरकर पाप, निशान पाप, जानवी पाप, यश पाप, जल्दी आंसर भेजो प्राइवेट करके। और जो जिसका आंसर मैं पाप बोल चुका हूँ वो फिर से मत देना आंसर, नहीं तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा इतनी जल्दी। पुलकित पाप, नीरज पाप, साक्षी पाप, अभिषेक पाप, सृष्टि पाप, ये किसने बोला था कि फॉर्मूला अगर खोलते बैठे तो पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? रौनक। हाँ रौनक, जल्दी से आंसर भेजो। माधवी पाप, अरिका पाप, विवेक पाप, भूपेंद्र पाप, नहीं 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 भूपेंद्र, वेरी वेरी गुड भूपेंद्र, वेरी 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 गुड। श्रद्धा पाप, कनक पाप, अतुल पाप, राहुल पाप। चलो अब मैं करूं। यस सर। अब सुनो ध्यान से,
मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन दिया था क्या वो क्वेश्चन किसी भी एंगल से टफ लग रहा है? अरे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल देता कि लीनियर में 8 चेयर्स हैं, 4 पर्सन कितने तरीके से बैठेंगे, तब क्या बोलते हैं आंसर बोलिए? अरे वैल्यू में नहीं वैसे बोलिए ना, फर्स्ट पर्सन कैन बी सीटेड इन हाउ मेनी वेज? 8 वेज एंड सेकंड 7 एंड थर्ड 6 एंड फोर्थ 5 आंसर 5. अब यही क्वेश्चन मैंने सर के बीच में पूछ दिया, तो ध्यान से देखिए आप में से जितने लोगों ने भी आंसर दिए, मैक्सिमम 5 सेकंड का क्वेश्चन था, जितने भी लोगों ने आंसर दिए केवल भूपेंद्र को छोड़ के सबके आंसर गलत हैं। वो सबके आंसर गलत क्यों है अब मैं बता रहा हूँ, बताना यही रीजन है कि नहीं, जब आपने 9 से 12 तक सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ा था तो आपने पढ़ा था एन माइनस 1 फैक्टोरियल और आपने इसे एज ए फॉर्मूला समझा था, तब किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये जो आपने n minus 1 factorial पढ़ा था ये आपने किस लिए पढ़ा था कि number of chair और person क्या है हमेशा equal. Hello? Yes, sir. अगर chair ज़्यादा कर दी जाए तब कैसे करेंगे? ये doubt आपके mind में नहीं आया था कि sir linear में ज़्यादा हो जाती है हम कर लेते हैं, circle में ज़्यादा होंगी तब तो ये हमारा work नहीं करेगा? क्यों? सुनिए ध्यान से, अगर n minus 1 factorial इसको फॉर्मूला समझोगे तो 8 के लिए या तो 7 factorial बताओगे या 4 के लिए 3 factorial बताओगे और दोनों ही पाप हैं। Yes, sir. अरे समझ में आ रहा है? Yes, चलो अब जल्दी से मुझे ये बताओ जरा, सर्किल में n पर्सन बैठते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल वे से, बताओ जरा ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? सर पहला वाला तो कहीं भी बैठ जाए सर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। अरे भूपेंद्र बस मैं आप ही से नहीं सुनना चाहता था, आपको छोड़ के बाकी कोई भी बताओ आपका तो आंसर करेक्ट है। सर एक ने एक चेयर सर ले लिए तो बाकी 7 सर मतलब खाली रहेंगी, तो सर वो जो 3 होंगे वो उन 7 चेयर्स में से ही किसी पर बैठ सकते हैं। हाँ तो सर अब जो थर्ड वाल मतलब जो दूसरा पर्सन बैठेगा 6 चेयर्स बचेंगी सेकंड पर्सन के बाद। अरे मुझे ऐसे बताइए ना, जैसे लीनियर में मैंने बोला फर्स्ट पर्सन के पास 8 चॉइस फिर 7 फिर 6 फिर 5, बस ऐसे ही बताइए जरा सर्किल में क्या होगा ये? सर्कल में भी तो सर ऐसे ही होगा कि सर अगर कोई एक पर्सन कहीं पे बैठ गया, अगर 8 चेयर्स उसके पास हैं तो अगर वो एक से कहीं बैठ गया तो बाकी 7 चेयर्स बचेंगी और 7 चेयर्स बचेंगे तो जो सेकंड पर्सन बैठेगा उसके पास। हां वेरी गुड। क्या नाम है आपका? जानवी पाप है वो सर, कहीं भी बैठे 8 पॉसिबिलिटी नहीं है सर उसकी। हां तो फिर कितनी है सर? एक ही होगी सर, वो जहां से बैठेगा वहां से क्यों चालू होगी सर्कुलर? ठीक है फिर ऐसे सो ऑन सर। अरे सो ऑन पूरा बोल दो, 4 तो पर्सन ही है सर, 7, 6 और 5। चलिए सुनिए ध्यान से, पता नहीं जो आप बोल रहे हो मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम चांस से करेक्ट है। आप सुनो ध्यान से, ये हमारा n माइनस 1 फैक्टोरियल क्यों आता है? चलो एक फॉर्मूला तो मैं ब्रेक कर ही दे रहा हूँ, पीएनसी नहीं करा रहा हूँ, लेकिन बस आपको ये आइडिया दे दूं कि अगर फॉर्मूले के दम पे आप सोच रहे हैं ना कोई भी चीज आपको क्लियर है तो आप इस धोखे में हो कि वो आपको चीज क्लियर है, आप केवल प्रिपेयर्ड हो माइनस 2/3 लाने के लिए। समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए अब सुनिए ध्यान से, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल होता क्यों है, बताऊं कि ना बताऊं, ये एल्गोरिथम पे ही चलें? बताइए सर। चलो जल्दी बोल रहा हूँ, जैसे ही कोई डाउट है तुरंत के तुरंत पूछना ना। सुनिए ध्यान से, मैंने आपसे बोला कि लीनियर में n पर्सन कितने तरीके से अरेंज होते हैं? n फैक्टोरियल वे से। क्यों? लैंग्वेज क्या होती है? फर्स्ट पर्सन कैन बी सेट इन n वेज एंड सेकंड n माइनस 1 एंड थर्ड n माइनस 2 एंड सो ऑन टिल 3×2×1। यस सर। नाउ सर्किल में n पर्सन कितने तरीके से अरेंज होते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल से, ऐसा क्यों होता है ये समझिए जरा। उसके पहले ये समझिए कि लीनियर में ऐसा क्यों होता है। देखिए ध्यान से लीनियर में ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जांपल सपोज मैंने आपसे बोला बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज डिस्टिंक्ट। सपोज मैंने आपसे बोला आई हैव 3 शर्ट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन आई सिलेक्ट 1? 3C1 यानी कि 3। जब आप 3C1 बोलते हो तो मेरे माइंड में फिर ये डिलेमा क्रिएट करते हो कि सी हमारा फॉर्मूला है। अरे कॉमन सेंस लगाओ जरा, आई हैव 3 शर्ट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन आई सिलेक्ट 1? 3। अब मैंने आपसे पूछा आई हैव 3 आइडेंटिकल शर्ट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन आई सिलेक्ट 1? 1।
क्योंकि तीनों शर्ट कैसी है हमारी आइडेंटिकल है, ध्यान से समझिएगा कि ये क्वेश्चन में मैंने आपसे नहीं बोला था मेरे पास तीन डिस्टिंक्ट शर्ट है तब भी आपने आंसर दिया था थ्री जो कि करेक्ट है। इसका मतलब ही क्या है, बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज डिस्टिंक्ट, आइडेंटिकल के केस में बोला जाएगा। यस सर, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये आपको ऑलरेडी पता है, बस नहीं पता है कि आपको पता है, तो कुछ क्रैम नहीं करना है, क्लियर है ना? Yes, sir. Now, अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट चेयर्स हमेशा हमारी क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। बाय डिफॉल्ट चेयर्स क्या होती है, हमेशा आइडेंटिकल होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे बोला कि लाइन में 5% खड़े हो रहे हैं, कितने तरीके से अरेंज होंगे, 5 factorial। ध्यान से देखो, ये लाइन है, कोई भी चेयर बनाई मैंने इधर पे नहीं बनाई। हेलो No, yes, अरे बिना चेयर की मैं चेयर कह सकता हूँ कैसे, कि लाइन में 5% खड़े हो रहे हैं, सपोज लाइन में 3% खड़े हो रहे हैं, कितने तरीके से, 3 factorial। क्या होगा, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। अब ध्यान से देखो, कोई भी एक अरेंजमेंट देखोगे तो इसको मैं कह सकता हूँ ए थर्ड चेयर पे बैठा है, बी सेकंड चेयर पे बैठा है, जबकि सी फर्स्ट चेयर पे बैठा है, जबकि चेयर तो हमारी पहले थी नहीं। Yes, sir. कहने का मतलब है विदाउट चेयर भी मैं चेयर बोल सकता हूँ उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली। Yes, sir. तो कह सकता हूँ बाय डिफॉल्ट चेयर हमेशा क्या होंगी हमारी, आइडेंटिकल। नाउ अब ध्यान से सुनिएगा, बाय डिफॉल्ट अरेंजमेंट हमारा कौन सा होता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है। अगर मैंने आपसे बोला 5% कितने तरीके से अरेंज होंगे, तो आप आंसर क्या देते हो, 5 factorial, क्योंकि आप अरेंजमेंट क्या कंसिडर करते हो, लीनियर। क्लियर है? हेलो ना, अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे बोला बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज डिस्टिंक्ट, लेकिन बाय डिफॉल्ट चेयर्स आर आइडेंटिकल, बोला कि नहीं बोला? अब सुनिए ध्यान से, लीनियर में बाय डिफॉल्ट चेयर्स तो आइडेंटिकल होती हैं, लेकिन लीनियर में चेयर हमेशा हमारी डिस्टिंक्ट होती हैं। वो क्यों होती हैं ये समझिए, ये पांच चेयर मैंने बनाई, ये पांचों की पांचों चेयर आइडेंटिकल होंगी, बाय डिफॉल्ट चेयर आइडेंटिकल होती हैं, लेकिन ये पांचों की पांचों आइडेंटिकल होते हुए भी डिस्टिंक्ट है। कैसे डिस्टिंक्ट है, ध्यान से सुना, कि फॉर एग्जांपल इस क्लास में 51 स्टूडेंट हैं, सपोज ऐसे समझो कि हम लोग ऑफलाइन बैठे हुए हैं, ठीक है, ऑफलाइन बैठे हुए हैं, आप सब मुझे विजिबल हो, ठीक है। देखो ध्यान से, आप सबकी शक्लें अलग अलग हैं कि नहीं? यस सर, यस सर, यानी कि आप सब डिस्टिंक्ट हो। अब ध्यान से सुनना, अगर सारे के सारे मुझे एक जैसे दिखाई दे रहे होते तो सारे के सारे आइडेंटिकल होते कि नहीं? अरे जैसे मैंने आज ही क्लास में आपसे माधवी का एग्जांपल लिया था, कि फॉर एग्जांपल मुझे माधवी दिखती है, मैं माधवी से पूछता हूँ, माधवी आपका नाम क्या है, माधवी बताइए, मेरा नाम माधवी है, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई दूसरे दिन सिमिलर माधवी जैसी दिखने वाली कोई गर्ल दिखेगी, मैं नाम पूछूंगा क्या? तो यही सोचूंगा ना कि वो माधवी है। अब सुनिए ध्यान से, कहने का मतलब कोई और पर्सन होगा तो मैं नाम पूछूंगा। अब सुनिए ध्यान से, कहने का मतलब मैंने आपसे बोला कि बाय डिफॉल्ट चेयर्स हमेशा हमारी आइडेंटिकल होती हैं, लेकिन वो आइडेंटिकल होते हुए भी लीनियर में डिस्टिंक्ट होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि मैं इनके अलग अलग नाम दे सकता हूँ। क्यों, इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सट्रीम लेफ्ट, ये सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। हेलो हेलो, यस सर, सुनिए मैंने क्या बोला आपसे, ये क्या होगी चेयर हमारी एक्सट्रीम लेफ्ट, ये क्या होगी सेकंड टू द लेफ्ट, ये क्या होगी थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट। नहीं आ रहा सर समझ में? यस सर, अरे मैंने इन पांचों चेयर के पांच अलग अलग नाम दिए कि नहीं दिए? यस सर, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि माधवी का नाम आज माधवी दूं और कल कुछ और दे दूं। मैंने क्या बोला कि चेयर हमारी आइडेंटिकल होते हुए भी डिस्टिंक्ट होगी, क्यों, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन और नॉट। अब सुनिए ध्यान से, और बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज डिस्टिंक्ट, तो 5% है, 5% डिस्टिंक्ट होंगे कि नहीं? यस सर। तो सुनिए ध्यान से, मैंने आपसे बोला पहले पर्सन के लिए कितनी चॉइस है हमारे पास, 5 चॉइस, एंड सेकंड के लिए 4 एंड 3 एंड 2 एंड 1। कोई डाउट? नो सर। क्लियर सबको? यस सर, यस सर। चलो अब शर्म के लिए तैयार हो जाओ जरा। चलो देखिए ध्यान से, सर्कल की बात करता हूँ, सुनिए ध्यान से, सर्किल में सपोज मैंने आपको बताया कि सपोज वही क्वेश्चन पे आते हैं, 8 चेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 चेयर्स हैं, पहले पर्सन के लिए कितनी चॉइस है बोलिए? तो 1 एक ही चॉइस है। क्यों, सारी की सारी चेयर आइडेंटिकल है, और आप नाम दे सकते हो क्या, क्योंकि जो एक्सट्रीम लेफ्ट है वही तो एक्सट्रीम राइट है, जो सर्किल घुमा सकते हो नहीं, यानी कि मतलब जो चेयर ये है वही चेयर तो ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्वालिटी वाइज तो में भी चेयर आइडेंटिकल थी, वो उधर पे डिस्टिंक कैसे हो गई थी, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन, जबकि सर्किल में तो वो क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों वाइज आइडेंटिकली होंगी। अब आप ही ने मुझसे बोला था कि तीन आइडेंटिकल शर्ट है, तो एक शर्ट को सिलेक्ट करने की चॉइस, एक
सर तो कह सकता हूँ पहले पर्सन के लिए तो एक ही चॉइस होगी, उसके लिए तो सारी चेयर आइडेंटिकली है। आई नहीं रहा है समझ में? हेलो सर आ गया। आ रहा है सर। आ गया। मुझे ये बताइए जरा अभी आपका स्टेट क्या है, रेस्ट या मोशन? रेस्ट। रेस्ट। पाप, शर्म नहीं आ रही सर, रिस्पेक्ट में बोलेंगे ना वो। अरे जादू जुपिटर से देख रहा है आपको, रेस्ट में बोलेगा सर, रेफरेंस में रहेगा ना। हाँ तो आपका स्टेट क्या है? सीबीडी कैन नॉट बी। मैंने आपके रेफरेंस में बोला था ना रेस्ट में, आपने मेरे से पूछा। आपने क्या बोला था सर? आपने मुझसे पूछा था, मैं आपके रिस्पेक्ट में बताऊंगा अपनी वैल्यू। शर्म नहीं आ रही, ये भी कोई बाय डिफॉल्ट होता है कि बाय डिफॉल्ट हम रजनीकांत के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि सर आपके रिस्पेक्ट में बताएंगे? तो सर आपके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में ही है ना। अरे तो मेरे रिस्पेक्ट में मैंने कब पूछा? मैंने तो आपसे पूछा कि आपका स्टेट क्या है, रेस्ट या मोशन? मोशन में। अरे फिर देखो मोशन मेरे पाप। आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? अर्थ। बट विद रिस्पेक्ट टू जुपिटर यू आर इन मोशन और नॉट? Yes, sir. अरे याद करो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस सर। कहने का मतलब है हमारा स्टेट हमारा फ्रेम हमारा रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं, किस रेफरेंस में देखा जा रहा है। yes, sir. अब ध्यान से सुनिएगा, पहले तो सारी की सारी चेयर आइडेंटिकल थी, अब पहला पर्सन बैठा सपोज ए, एक तरीके से जैसे ही पहला पर्सन बैठा मैंने बोला सारी की सारी चेयर डिस्टिंक्ट हो गई। क्यों? अब मैं सबके नाम दे सकता हूँ कैसे? इमीडिएट राइट ऑफ ए, सेकंड टू द राइट ऑफ ए, थर्ड टू द राइट ऑफ ए, फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए, सिक्स्थ टू द राइट ऑफ ए, सेवन्थ टू द राइट ऑफ ए। यस सर। नहीं आ रहा सर। हेलो। कहने का मतलब है सर्किल में जैसे ही पहला पर्सन बैठेगा सब कुछ डिस्टिंक्ट हो जाएगा, कह सकता हूँ सर्किल ब्रेक हो जाएगा, सब कुछ लीनियर हो जाएगा। लीनियर हो जाएगा तो एन माइनस वन पर्सन कितने तरीके से अरेंज होंगे? एन माइनस वन फैक्टोरियल बेस से। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड पर्सन के लिए कितनी चॉइस? सेवन, फिर सिक्स, फिर फाइव, खत्म। यस सर। ये फैक्टोरियल कैसे आया? पहला पर्सन बैठा एक तरीके से क्योंकि सारी चेयर आइडेंटिकल थी, जैसे ही पहला पर्सन बैठा सर्किल ब्रेक हो गया, अब विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन सारी की सारी चेयर डिस्टिंक्ट हो गई, यानी कि एन माइनस डिस्टिंक्ट चेयर, एन माइनस वन पर्सन कितने तरीके से एन माइनस वन फैक्टोरियल। क्लियर है? आपको फिर से बता दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से, उस फ्रॉड से बाहर निकलो सबसे पहले अपने माइंड पे ट्रस्ट करो, इतना कॉमन सेंस लगाओ कि अगर फॉर्मूले पे क्वेश्चन के आंसर आने लगे तो वो क्वेश्चन कभी भी कॉम्पिटिशन में आएंगे। ये बचपन में आपके साथ फ्रॉड हुआ था, आपको n माइनस वन फैक्टोरियल बताया गया था और आपको क्या कर दिया गया था? या तो आपको 5% बोलता था 5 चेयर बोलता था, या 10% 10 चेयर, मतलब जितने परसेंट बोलता था उतनी चेयर बोलता था, मतलब कभी भी इशू आता ही नहीं था। और हमें लगता था कि नहीं हमें सर्कुलर परम्यूटेशन आ गया है, ऐसे ही लगता था कि नहीं। यस सर। अंटिल बेडमैन सामने नहीं आया था। यस सर। तो ये पहले रौनक समझ में आया कि फॉर्मूले के दम पे कुछ भी नहीं होने वाला है? और मुझे ऐसा कि रौनक आपने अभी तक प्रीवियस ईयर लगाए नहीं, क्योंकि अगर आप लगा लेते तो मुझे ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या चीज? आपने प्रीवियस ईयर गेट के नहीं लगाए हैं, क्योंकि अगर आपने लगाए होते सर, अभी तक नहीं किए सर। वो तो मैं वैसे ही बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर आपने लगाए होते तो मुझे ये स्टेटमेंट बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? आप फॉर्मूले लगाते, हर क्वेश्चन में माइनस टू बाई थ्री आता, फिर आप कहते लो ये क्या हो रहा है। क्लियर है? यस सर। चलो तो अभी सुनो ध्यान से, ये तो मैं एक फॉर्मूला मैंने ब्रेक किया है, बता दे रहा हूँ पीएनसी में एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है, एक सिंगल फॉर्मूला। अच्छा प्रोबेबिलिटी में तो है कि नहीं? नो सर। थ्योरम तो है ना, बेस थ्योरम वगैरह। हां सर, बेस थ्योरम। गंदी गंदी बातें नहीं बोलनी है, कोई बेस थ्योरम नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सी चीज को बेस ने बोल दिया और उसे थ्योरम बोल दिया और आप लोग को बेवकूफ बना दिया और आप लोग भी बोलते वाओ बेस थ्योरम बेस थ्योरम बेस थ्योरम। शर्म नहीं आ रही। हेलो। यस सर। कोई थ्योरम व्योरम नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस, सिर्फ आपको बोलना आना चाहिए। जब तक उसे फॉर्मूला समझोगे तब तक वो चीज कभी भी, देखो ध्यान से, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में मैंने क्यों बिना आपका टेस्ट लिए बोल दिया कि मैं 99 नहीं 100% श्योर हूं आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो? क्योंकि मुझे पता है आपने 12th के साथ या तो कोचिंग नहीं की होगी, तो की कहां से होगी? एलएन बंसल, आकाश फिड़गी, यही सब जायंट्स हैं उस मार्केट के। यस सर।
लेकिन मुझे ये भी पता है कि इन सारी कोचिंग में फॉर्मूले आते हैं. हेलो यस सर. अरे जिसने भी यहाँ से कोचिंग किया फॉर्मूले आए थे कि नहीं आए थे? अब सुनिए ध्यान से, मैंने क्यों बोला कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि जिस टॉपिक में एक भी फॉर्मूला नहीं है उस टॉपिक में अगर आप फॉर्मूला समझोगे तो उस टॉपिक को कभी भी क्रैक कर पाओगे. चलो अच्छा ये बताओ जरा, मैंने डिनर पार्टी वाला कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया ना आपकी क्लास में? नो सर. एक जल्दी से एक हिंट और देता हूँ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ी कर देता हूँ अच्छे से. बीटेक में आपने डिजिटल लॉजिक पढ़ी है ना? यस सर. सुनिए ध्यान से, डिजिटल लॉजिक मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, थोड़ी सी मुझे मेरी हेल्प कर दीजिए जरा. तो उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा के मैप. अरे बेटा पढ़ा है कि नहीं ना? मुझे ये बताइए टू वेरिएबल के मैप कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, कितने स्लॉट्स होते हैं? चार. चार. थ्री वेरिएबल के मैप? एट. फोर वेरिएबल के मैप? 16. 16. 10 टू टू द पावर 4. 10 वेरिएबल के मैप? 2 की पावर n. 2 पावर 10. n वेरिएबल के मैप 2 पावर n? यस सर. किसने बताया था ये? माधवी. माधवी वेरी वेरी गुड. 2 पावर n. तो माधवी ये फॉर्मूला है कि नहीं? हेलो. नहीं सर, ये फॉर्मूला नहीं है माधवी. ये कैसे आया फिर? इसका तो डिटेल प्रूफ है ना माधवी? अरे आपको प्रूफ याद नहीं होगा लेकिन इसका डिटेल प्रूफ है कि नहीं? क्या किया सर? हाँ सर, वही करके रिलेशन निकाल लिया. अरे एक एक करके बोलो कोई, एक एक करके. हाँ कैसे आया ये सर? एक रिलेशन निकाल लिया. एक रिलेशन निकाल लिया कैसे, मतलब समझा नहीं मैं. पैटर्न सर, पैटर्न. पैटर्न निकाल लिया कि क्या? टू वेरिएबल के मैप में टू स्लॉट है, थ्री वेरिएबल, टू वेरिएबल में टू स्लॉट है, थ्री वेरिएबल में 8 स्लॉट है, सॉरी 2 वेरिएबल में 4 स्लॉट है, 3 वेरिएबल में 8 स्लॉट है, 4 वेरिएबल में 16 है. तो कह सकता हूं ये 2 स्क्वायर, ये 2 क्यूब, ये 2 पावर 4. लो हमें तो समझ में आ गया, सरी डफर थे, n वेरिएबल में 2 पावर n होंगे. यही बोल रहे हो ना? हां सर. क्या नाम है आपका? तान्या. तान्या सुनो ध्यान से, एक राज की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा तान्या. अभी देखो अटेंडेंस खोलूं जरा. क्यों पैटर्न बना लिया मैंने, हर दूसरा पर्सन मुझे मेल मिल रहा है. अच्छा सुनो ध्यान से, मैं कल एक क्लास लेने जाता हूँ, केवल और केवल उस क्लास में बॉयज हैं, ठीक है? तो मैंने देखा सारे के सारे मेल, तो मैं बोल दूं ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मेल, क्यों पैटर्न बना लिया मैंने. व्हाट्सएप के मैप में देखा था ना इसलिए. ये कोई अप्रोच है? नहीं सर. तो गंदी गंदी बातें नहीं बोली. हाँ माधवी कैसे आया? हेलो. नहीं बताऊंगी सर, मैं नहीं बताऊंगी, आपको पता चल जाएगा, बताऊंगी नहीं मैं. अरे माधवी का नाम ले रहा हूँ, बता कोई भी सकता है. कई लोग कह रहे नहीं नहीं माधवी बताएगी, सर हम क्यों बताएं. हेलो. देखो पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोल रहा है. हम एनर्जी बचाएंगे सर, हम बोलेंगे तो आप आप बोलोगे. वेरी गुड. नंबर कॉम्बिनेशंस है ना, वो तो जितने वेरिएबल्स हैं उनके कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना, जो पॉसिबिलिटी. हाँ हाँ तो सर उसके हिसाब से तो होगा ये. अरे तो बेटा मैं यही पूछ रहा हूँ ये आया कैसे, मतलब एक ही बताओ जरा, जो एक्सप्लेनेशन आप मुझे दे रहे हो ऐसे ही एक्सप्लेनेशन मैं भी एल्गोरिथम में देने लगूं? अरे देखो जब मुझसे क्रिस्टल क्लियर चीजें एक्सपेक्ट करते हो तो आपको क्या लगता है मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा? मैं कितनी बार, मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं बहुत वीक हूँ, मुझे समझ में नहीं आती है चीजें. हेलो. यस सर. हाँ तो जल्दी बताओ जरा ये कैसे आया, बोलो. माधवी ने बताया तब आया. अरे तो शर्म नहीं आ रही, 10 वेरिएबल के मैप में 2 पावर 10 स्लॉट्स नहीं होंगे? यस सर. हां तो ये फार्मूला, ये ऑब्वियसली कैसे आया, ये फार्मूला होगा तभी तो आया. ये फार्मूला नहीं है सर. तो आया कैसे फिर ये? लॉजिक.
सर हाँ, वो क्या सर सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो वो जो मतलब 0-1 खेल रहे हैं अपन इसमें हाँ, तो जो वेरिएबल्स हैं उसके कॉम्बिनेशन की दो दो पॉसिबिलिटी होंगी ठीक है तो 2 2 2 2 2 2 तो n वेरिएबल्स हैं तो 2 की पावर n वेरी वेरी गुड क्या नाम है आपका सर तनीषा तनीषा वेरी वेरी गुड सुनो ध्यान से अब तनीषा देखो जरा ध्यान से अब मैं बता रहा हूँ इन सबको पाप आने इन सबको शर्म आने वाली है गलत बोल रहा हूँ ना मैं तनीषा यस सर क्या क्या बोला आपने पता नहीं सर अरे हद हो गई मैं बोल रहा हूँ तो शर्म आएगी आएगी सुनिए ध्यान से आज मुझे एक मैरिज का मैरिज पार्टी में जाना है मुझे इनविटेशन कार्ड आया है ठीक है तो मेरे माइंड में एक डिलेमा चल रहा है वो पढ़ाई हम बाद में कर लेंगे वो इल्यूजन मेरा डिलेमा दूर करोगे कि नहीं करेंगे सर सुनिए ध्यान से आज मुझे एक मैरिज पार्टी में जाना है इन्विटेशन कार्ड आया है इन्विटेशन कार्ड में उन्होंने मेंशन किया है कि टोटल 10 डिशेस अवेलेबल है टोटल 10 डिशेस अवेलेबल है हेलो यस सर तो अब सुनिए ध्यान से बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज डिस्टिंग तो वो डिशेस कौन सी है मटर पनीर शाही पनीर मलाई कोफ्ता एंड सो ऑन तो अब ध्यान से सुनिएगा मैंने आपसे पूछा कि मुझे डिलेमा क्या है मेरे पास डिनर की चॉइसेस कितनी है मैं उधर पे जाता हूँ तो मेरे पास चॉइसेस कितनी है ये बताइए बोलो लैंग्वेज बोलो क्या बोलूंगा मैं जैसे कि वन ऑफ द चॉइस नहीं करना मुझे डिनर मेरी मर्जी हेलो अरे क्या चलो ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा एल्गोरिथम कब की हैंग पे चली गई ये सुनिए जाते क्या बोलूंगा इधर आई विल टेक नो डिश और वन डिश और टू डिश और थ्री डिश और सो ऑन 10 डिश बोलूंगा कि नहीं हाउ यू लाइक क्या अब देखो गंदी गंदी बातें तुरंत पीछे से आने लगी सर ऐसा भी तो हो सकता है आपको कोई डिश पसंद ना हो अरे मैं चॉइसेस की बात कर रहा हूँ सुनो ध्यान से क्या बोलूंगा इधर आई विल टेक नो डिश और वन डिश और टू डिश एंड सो ऑन मतलब जीरो डिश और मींस व्हाट बोलो वन डिश टू डिश एंड सो ऑन क्लियर है अब ध्यान इफ जीरो डिश तो 10 में से कोई भी सिलेक्ट नहीं की सबको रिजेक्ट कर दिया और अगर एक डिश तो कौन सी डिश डिश तो सारी सारी डिस्टिंक्ट है कि नहीं हेलो और अगर सारी की सारी डिश तो 10 सी 10 अब ध्यान से सुनिएगा आपने क्लास 11th बाइनोमियल में पढ़ा होगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NCN इज नथिंग बट क्या होता है ये 2 की पावर n तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 पावर 10 तो ये हमारा फार्मूला है कि नहीं नहीं सर ये भी फार्मूला नहीं है नो सर कैसे आया अरे गंदी गंदी बातें बोल लो बस बाइनोमियल एक्सपेंशन भाई बीटेक का इंटरव्यू को तो पता नहीं है तो कुछ भी टेक्निकल टर्म बोलो सर बोलेंगे वेरी नाइस शर्म नहीं आ रही सुनो ध्यान से सुनो अब ऑब्वियसली आप लोग मुझे विजिबल नहीं हो ये कैसे आया अब मैं बता रहा हूँ फिर से देखो शर्म आएगी ध्यान से सुनिएगा अगर मैंने आपसे बोला सुनिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग हो गलत मान रहा हूँ मैं तो अब ध्यान से सुनिएगा For example, चलो किसी एक ही पर्सन से पूछता हूँ बताइए जरा कौन कॉन्फिडेंट है जल्दी से बोलो अपना नाम कोई कॉन्फिडेंट तनीषा सपोज तनीषा मैंने आपसे बोला एक कान पकड़िए ठीक है अब मुझे सिर्फ ये बताइए आप कैसे पकड़ोगे और ध्यान से सुनना जो तनीषा बता रही है आप लोग बताना आप भी वैसे ही करोगे कि नहीं करोगे तनीषा मैंने आपसे बोला एक कान पकड़िए कैसे पकड़ोगे कितने लोग डिपेंड करेंगे ना कितने कान है अरे तनीषा सर मतलब एक सेकंड आर यू ओके हाँ मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ मतलब क्या ये कहाँ से ये क्लासरूम अरे मैं कह रहा हूँ आप अपना एक कान पकड़िए कैसे पकड़ोगे दो, दो 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 सर दो तरीके है ना डियर सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ सुनो एक बार ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ मैंने आपसे बोला एक कान पकड़िए मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे पकड़ोगे मेरे ख्याल में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करेगा अपना राइट हैंड का और राइट ईयर को पकड़ेगा डायरेक्टली यस सर यस सर बस मैं ये सुनना चाहता था पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो सर छोड़ो कुछ नहीं सुनो ध्यान से चीजों को सिंपल बनाओ उन्हें कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ देखो ध्यान से मैंने आपसे बोला
आपके एक कान पकड़िए, आप कैसे पकड़ोगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुनिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको एनोटेशन दे दी और मैंने बोला कि इसको रब करिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इधर से इरेजर उठाओगे, जैसे अभी दिख रहा है कर्सर सबको, इधर से रेजर उठाओगे, डायरेक्टली इसको रब करोगे कि नहीं? यस सर। कहने का मतलब कि ऐसे तो नहीं करोगे ना कि ऐसे गोल गोल घूम रहे हो दो तीन मिनट तक कि हमारी मर्जी, हम घूमेंगे 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 फिर रब करेंगे। क्लियर है ना? नो सर। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था। अब ध्यान से सुना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों से बोला कि एक कान पकड़िए, कैसे पकड़ोगे? मेरे ख्याल में राइट हैंड से राइट ईयर पकड़ोगे डायरेक्टली। यस सर। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि सपोज आपने बोला कि सर हम ऐसे पकड़ेंगे, मैंने आपसे पूछा ऐसे आपने क्यों पकड़ा? क्योंकि आप तो घुमा के भी पकड़ सकते थे, आप तो राइट ईयर से लेफ्ट ईयर भी, राइट हैंड से लेफ्ट ईयर भी पकड़ सकते थे, लेकिन आपने डायरेक्टली पकड़ा, तो मैंने आपसे पूछा आपने ऐसे ही क्यों पकड़ा? क्या दो तरीके है ना? अरे अरे फिर दो तरीके क्योंकि वो सिंपल है। रुक जाओ तनिशा, हेलो। हाँ सर। मुझे ये बताइए रा, आपके घर से सपोज कोई भी स्पॉट बोलिए रा, कोई भी स्पॉट, सपोज आपके घर से आपका कॉलेज, ठीक है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, लेट सपोज, ओके, ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि तनिशा अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, आप घर से कॉलेज जाते हो, आप कितना ट्रेवल कर रहे हो? सर सीधे, मतलब ट्रेवल के कॉलेज से घर सीधा। हाँ, कितना ट्रेवल कर रहे हो, मतलब कितने किलोमीटर? 4 एक किलोमीटर। नहीं 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 तनिशा, आप सच में देखो ठीक हो? नहीं सर, नहीं, हाँ ठीक हूँ। मार डालो मुझे, मार डालो या अपने आप को मार डालो, मतलब कुछ भी पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ ठीक हूँ, ठीक हो? नहीं मतलब देखो ध्यान से, सुनिए ध्यान से, हटा दो, कोई तनिशा नहीं है, एक पर्सन है, ठीक है, उसे बी लोकेशन पे जाना है, ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ठीक है, मैंने आपसे पूछा आप ए पॉइंट पे हो, आपको बी पॉइंट पे जाना है, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, आप कितना ट्रेवल करोगे? 1 किलोमीटर करोगे कि नहीं? ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि आपने 1 किलोमीटर ही ट्रेवल क्यों किया, आप ऐसे ऐसे भी तो कर सकते थे, ऐसे ऐसे घूम के जा रहे हो बी पे, सिंपल, ठीक है, तो आपने ऐसे नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 किलोमीटर सिंपल था। तो लो ध्यान से, 5 मिनट मेरे किस चीज में वेस्ट करा दिए, मैं बता रहा हूँ मैं क्या पूछना चाहता था, सुनिए, अब मुझे लेकिन ये भी समझ में आ गया कि ऑनलाइन में ये चीजें कभी नहीं करवाऊंगा, डायरेक्टली खुद ही बता दूंगा, ये ऑफलाइन के लिए सही होती है। मैंने ये बोला था कि सपोज कोई पर्सन होता है, सपोज आप लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे हो मेरे सामने, मैंने आप लोगों से बोला कि अपना एक कान पकड़िए, तो जनरली होता क्या है कि स्टूडेंट अपना राइट हैंड लेता है और राइट ईयर को डायरेक्टली पकड़ लेता है, फिर मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेटा आपने ऐसे ही क्यों पकड़ा, आप इसको घुमा के भी पकड़ सकते थे, तो फिर वो बोलता है क्योंकि सर ये सिंपल था, ऐसे ही होना चाहिए। तो सुनिए ध्यान से, कहने का मतलब है एक ही चीज को करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके थे, हम कौन सा भी हमें अच्छा लगता है जो सिंपल होता है? जैसे कि मैंने आपसे बोला, पीएनसी में भी बोला और एल्गोरिथम में भी फर्स्ट क्लास से बोल रहा हूँ, सिर्फ बोलने पे कमांड लिखे आओ, देखो ध्यान से, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आया कैसे वो दिखाता हूँ, सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बोला अभी, मैंने डिटेल में बोला इधर आई विल टेक नो डिश और वन डिश और टू डिश एंड सो ऑन 10 डिश। अब देखो yes, मैंने एकदम प्रैक्टिकली रिलेट किया, आप लोग मैरिज पार्टी में गए हो कि नहीं? सुनिए ध्यान से, ये टेबल पे लाइन से डिशेस रखी है एबीसीडी टिल जे, मैंने प्लेट उठाई, मैं डिश नंबर ए के सामने गया, क्या बोलूंगा मैं? या तो मैं ए को लूंगा या नहीं लूंगा, फॉर ए डिश आई हैव हाउ मेनी चॉइसेस? 2 एंड फॉर बी डिश एंड बोलूंगा कि नहीं? फॉर ए डिश आई हैव 2 चॉइस एंड फॉर बी डिश आई हैव 2 चॉइस, या तो लूंगा या नहीं लूंगा, एंड मींस व्हाट? मल्टीप्लिकेशन। यस सर। कह सको एंड फॉर 3rd डिश आई हैव 2 चॉइस एंड फॉर 4th डिश आई हैव 2 चॉइस एंड फॉर लास्ट डिश आई हैव 2 चॉइस, टोटल डिशेस आर 10, टोटल चॉइसेस वुड बी 2 to the power 10। यस सर। तो ये फार्मूला है क्या? नो सर। नो सर। बोलने का तरीका है, वो कौन बोल रहा था? रौनक, बाइनोमियल एक्सपेंशन। यस सर। बाइनोमियल एक्सपेंशन, अरे बाइनोमियल नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, बाइनोमियल इज नथिंग बट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पीएनसी। पीएनसी में फॉर्मूला मतलब बेवकूफ बनाना मतलब पाप, बाइनोमियल में फॉर्मूला मतलब एक्सटेंडेड वर्जन आपको बेवकूफ बनाने का। अरे समझ में आ रहा है? आया। तो एनसी 0 प्लस एनसी 1 एंड सो ऑन, एनसीएन 2 पावर एन क्यों होगा, ये समझ में आया?
यस सर। अब सुनिए जानते 10 वेरिएबल के मैप में टोटल हमारी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, या तो वेरिएबल ए होगा या नहीं होगा, या तो वेरिएबल बी होगा या नहीं होगा, एन वेरिएबल सी होगा या नहीं होगा, एंड सो ऑन ईच एंड एवरी वेरिएबल। फॉर ईच एंड एवरी वेरिएबल वी हैव टू चॉइस, टोटल वेरिएबल्स आर 10, टोटल चॉइसेस वुड बी 2 पावर 10। यस सर। किसने बताया था ये, मैं कंफ्यूज हो गया हूं, तनीषा की तान्या? सर तनीषा। तनीषा इतना अच्छा आंसर बताने के बाद क्या हो गया आपको? सर कंफ्यूज्ड हो गए। सर एक्चुअली हुआ क्या, आपने पूछा कि कान पकड़ना है, सर मुझे लगा क्लासरूम में है, और सर तो ऐसे तो मैं किसी और का भी कान पकड़ सकती हूँ ना, तो सर उतना तो मतलब देखो जैसे अगर आप किसी और का कान पकड़ोगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको छत से फेंक देगा, है कि नहीं? हेलो हाँ सर। और सोचा से अगर वो पर्सन मैं हुआ तो मैं तो क्या करूंगा, मैं तो छत से भी फेंक दूंगा और पुलिस केस भी नहीं होने दूंगा, क्यों, नोटबुक पे लिख दूंगा सुसाइड अटेम्प्ट। नहीं सर। कहीं भी पब्लिकली जाते हो किसी का भी कान पकड़ लेते हो क्या? नहीं सर। गंदी गंदी बातें बस करवा लो। क्लियर? हाँ सर। चलो तो ये समझ में आ गया, कोई फॉर्मूला नहीं था? यस सर। बस मैं आपको इतनी ही कोशिश कर रहा था बताने की कि अगर आप फॉर्मूला समझोगे ना तो कभी भी क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाओगे। मैं आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं बैक टू बैक आप टॉपिक आपसे पूछता कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगता है, एप्टीट्यूड में, परम्यूटेशन में, किसी में भी, जिस टॉपिक में आप फॉर्मूला बोलते, मैं बैक टू बैक इतने अनलिमिटेड क्वेश्चन दे देता कि एक भी फॉर्मूला आपका वर्क नहीं करता, आप फॉर्मूला लगाते और मैं चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज बोल रहा होता, क्या? आप, आप। वेरी नाइस। अब सुनिए ध्यान से, थका दिया मुझे बुलवा बुलवा के, तो पीएनसी पे पीएनसी की प्रैक्टिस कर लेना, वो देखिए टाइम भी हो गया है आपका, तो चलो सुनो ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना ये सारे के सारे क्वेश्चन, खुद से क्रैक करना कोशिश करना इनको क्रैक करने की, ताकि मैं फिर जब कल बताऊं तो आप ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आपके अनटच्ड रहे। बस आपको मैंने इतना बोल दिया, दो चीजें और बता के सेशन ओवर कर रहा हूं, कि और का मतलब क्या होता है, प्लस ये मैंने बता दिया क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके आंसर बताइएगा। सुनिए ध्यान से, मेरे पास 3 शर्ट्स हैं, 2 पेयर ऑफ ट्राउजर हैं, मैं कितने तरीके से तैयार हो सकता हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, एक शर्ट पहनूंगा, एक पेयर ऑफ ट्राउजर पहनूंगा। सबसे पहले 2 पेयर ऑफ ट्राउजर मतलब कितने ट्राउजर हैं? 2 ट्राउजर, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, आपने शेल खोली, ये सब आइटम पड़ा हुआ था, बताइए जरा लैंग्वेज क्या क्या बोलोगे? आई हैव टू सिलेक्ट 1 शर्ट आउट ऑफ 3 शर्ट्स इन हाउ मेनी वेज? 3 वेज। आगे क्या बोलूं? मल्टीप्लिकेशन, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन क्यों होता है ये समझिए, बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज डिस्टिंक्ट। Yes, yes, yes. Oh, S1, S2, S3, trouser थे, T1, T2, तो हमारे combination क्या बनेंगे? S1, T1, S1, T2, S2, T1, S2, T2, S3, T1, S3, T2, because, कैसे हूं? Yes. हर शर्ट के साथ 2 combination, शर्ट है 3, तो combination 6? Yes, sir. कोई doubt? No, sir. Now, अब suppose मैंने आपसे बोला होता कि question को मैं थोड़ा सा change कर रहा हूँ, ये तो basic question ही है। Yes, sir. Now, अब मैंने question को थोड़ा सा change किया होता, मैंने क्या बोला होता कि I have 3 shirts, 2 t-shirts, 2 pair of trousers, 4 pair of jeans. In how many ways can I dress up if I am wearing exactly 1 garment on the upper body and exactly 1 garment on the lower body? मतलब t-shirt और shirt दोनों ही नहीं पहनूंगा। हाँ, तो बोलिए language चाहिए मुझे। Language क्या बोलोगी? I would say 5 shirt out of the 3 shirt. Very good. Or हाँ, 1 t-shirt out of the 2 t-shirt I have, very along good. With very 2. Very good. Along with 1 pair of trousers amongst the 2 pair that I have, or 1 pair of pants amongst the 4 pair of pants jeans that I have. Very very good, very very good. तो देखो यार ध्यान से language क्या बनी है हमारी, either I will wear a shirt or t-shirt. आगे क्या बोलूँगा? आगे बताइए. And either I will wear trouser or ध्यान से देखिए, अपर बॉडी के लिए मेरे पास कितने चॉइस है, शर्ट के लिए 3, टी शर्ट के लिए 2 और मींस प्लस। यस सर। क्लियर है? यस सर। मतलब हमने क्या सीखा, अरे ये तो अब खत्म हो गया, 3 प्लस 2 इन 2 2 प्लस 4
और ये फालतू क्वेश्चन नहीं बता रहा था, सिर्फ मैं आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा था कि एंड का मतलब क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब क्या होता है हमारा एडिशन, और बोलने बोलना आ गया मतलब पीएनसी आ गई। दूसरी चीज, आप बोलने में कोई भी लैंग्वेज यूज करो, इधर इंग्लिश और हिंदी मैटर नहीं करता, लेकिन खिचड़ी मत बनाना। और खिचड़ी क्यों मत बनाना, सुनिए ध्यान से, एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं पता ही नहीं है, और को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है, खिचड़ी बनाई तो पता ही नहीं है वो और कौन सा और है, इंग्लिश वाला और है या हिंदी वाला और है, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला है कि एडिशन वाला है, आ ही नहीं रहा सर। यस सर। क्लियर सर? तो आपको बोलते हैं बस एंड और आना चाहिए। अब इन क्वेश्चन को क्रैक करिएगा, कोशिश करिएगा, बाकी फिर हम फिर मैं कल बताऊंगा ये। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कल फिर से मिलते हैं 4 बजे, और सुनो ध्यान से, आज जितने भी लोग टाइम पे नहीं आए थे अपने किसी फ्रेंड से समझ लेना, और सुनो ध्यान से, कल अगर 4 बजे नहीं आए तो मैं बता दे रहा हूँ ये आपको समझ में भी नहीं आएगा, गूगल पे देख के समझ लोगे कि नहीं। हेलो नो सर, नो सर, भी समझोगे तो मिलेगा। चलो फिर कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। ओके सर।